चलो भाई चलो भाई चलो भाई भैया, मैच नंबर वन हो चला है चालू। ओके सो लेट्स गो भैया। प्लेन पाथ की बात कर लिया जाए तो प्लेन पाथ जा रहा है नोवो से होता हुआ शूटिंग रेंज के साइड पे। एंड लेट्स सी भैया क्या होने वाला है यहाँ का गेम प्ले। ओके भैया, गेम प्ले होने वाला है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भैया रात को हम कर रहे हैं पहली बार कास्टिंग। अच्छा भैया, मैच छोड़ के आए हैं तो भैया कुछ अच्छे गेम प्ले की हम कर रहे हैं उम्मीद। लेट्स सी भैया क्या गेम प्ले दिखाई देता है। 22 टीम्स बची है, ज़रूर 22 टीम्स आई है, 82 बंदे। लेट्स सी भैया क्या होता है क्या नहीं होता। बात करें G9 के स्क्वाड की तो G9 उतर चुकी है, स्लॉट नंबर 24 पर आई है, बूबी वाइल्ड फायर एंड चरस। लेट्स सी G9 दिखाओ। अरे धीर भैया, आप बोलोगे उससे पहले हम दिखाएंगे, आप बोलोगे उससे पहले हम दिखाएंगे। और ये भैया प्लेन का ग्लिच है, मेरा ग्लिच नहीं है। ओके मेरा ग्लिच नहीं है, प्लेन का ग्लिच है। अनटिल के भैया पे चला ना जाइए, देखो सारे बंदे ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, देख लो पानी के अंदर चला गया भाई लौंडा पूरा कतई। जैसे ही प्लेन पाथ ख़त्म हो जाएगा वैसे ही नॉइस भैया, नॉइस तो हो जाएगा, बट आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। आज का सब्सक्राइबर्स गोल था भाई 310, एंड एडमिनिस्टर भाई ने हमें एक और चांस दे दिया कि भैया आप जाओ कास्टिंग करो, अपना सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करो। बिल्कुल भैया, कास्टिंग का गोल भी पूरा हो जाएगा, 310 सब्स का गोल है, तो मेक श्योर भैया आप फटाफट से शेयर कर दो। ओके सो भैया इधर फाइट होने वाली है, एक बंदा एंटर नहीं कर पाया। लॉल लॉल हो गया भाई, लॉल हो गया। बात करी जाए तो लेट्स गो, जोन की बात करी जाए तो भैया सेंट्रलाइज जोन कटता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटर पोचिंग की में दो स्क्वाड का क्लस्टर दिखाई दे रहा है, दैट इज आई थिंक सो G9 के गब्बर दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग फ्रॉम टीम नंबर 19। तो भैया गब्बर जी इधर आए हैं ज़रूर, जैसे कि आज जडेजा ने भैया एक ओवर में पूरा मैच हरवा दिया गया है हमें, वैसे ही कहीं गब्बर पूरा का पूरा मैच ना पलट दे। गब्बर जडेजा, जडेजा गब्बर दोनों ही सेम नाम है, दोनों ने ही भाई आज कतई जहरीले अंदाज से मैच को हरवाया है सबको। ओके सो लेट्स सी, बात करी जाए प्रोफेसर टी क्यू के प्रोफेसर, अभी तक कोई बंदा मरा नहीं है। देखने वाली बात ये रही है कि G9 भाई थोड़ा एग्रेसिव मूव दिखाते हुए एंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्लोज इन करा जा रहा है टीम नंबर 12 के बंदों पे। बात करी जाए SKB एंड IF। व्हाट्स अप रॉकी ब्रो, व्हाट्स अप गुड्डू मेरे भाई, कैसे हो आप। एंड तीनों के तीनों बंदे हैं जरूर, पर दो बंदे इधर हैं एंड एक बंदा इनका भैया गाड़ी वाड़ी लेके एकदम तैयार बैठा है निकलने के लिए। तो अभी 2v3 सिचुएशन है इस टाइम पे, बट G9 वाले रुकने वाले हैं नहीं, वो भी वाइल्ड फायर एंड चरस। स्काई स्काई, ओ व्हाट डू यू मीन बाय स्काई इनविंसिबल ब्रो। ओके क्लोज इन करा जा रहा है, बट उससे पहले कि क्लोज इन करे भैया ये वाले बंदे तो फटाफट से निकाल दिए जाएंगे। एंड इधर दो ही बंदे, बात करी जाए तो एक इंटरेस्टिंग ड्रॉप देखने को मिला है टीम नंबर EXE से। वो भैया वो भाई भाई भाई, ये मैंने बहुत कम ड्रॉप देखा ये वाला, मतलब भाई यहाँ पे ब्रिज के साइड पे कौन ड्रॉप लेता है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी स्क्वाड ने अभी तक ये सोचा होगा कि भाई ब्रिज के साइड भी आप ड्रॉप ले सकते हो। इंटरेस्टिंग ड्रॉप लोकेशन, लेट्स सी। किल्स के मामले में भाई माला माल होने वाले हैं अगर किल्स डिफेंड कर लिया जाए। अभी तक तो भैया शांत है मामला पानी, एक बंदा भी नॉक नहीं हुआ अब तक। भाई साहब गलत ही गेम प्ले दिखाई दे रहा है। ओके भैया, जॉर्जो पुल के सिटी में भी तीन स्क्वाड का क्लस्टर दिखाई दे रहा है, टीम FX का, टीम नंबर 8 का एंड टीम नंबर XT, दैट इज स्लॉट नंबर 15 पे आए हैं ज़रूर। बट अभी भैया इधर ही ओवरऑल व्यू ले लिया जा रहा ज़रूर है। वो भी ट्राई कर रहे हैं स्पॉट करने की बंदों को, उन्हें पता नहीं कहीं, उन्हें पता नहीं है कि भैया बंदे ऑलरेडी बैक ऑफ ले चुके हैं। वो भी भैया हाथ में ले रखी है आई थिंक सो M4 विद DP का कॉम्बिनेशन दे भैया इरेंगल का। स्नैक्स स्नैक्स भैया का गॉड, एंड पहला बंदा नॉक हो चुका है जो कि करा गया है XD की स्क्वाड ने। तो XD की स्क्वाड चार के चारों बंदे जिंदा हैं ज़रूर, कब्जा करना चाहेंगे क्या कर पाएंगे ये वाली बात होगी। टीम नंबर 22 FX की स्क्वाड भैया एसकॉप लूसी XD एंड लेट सी। टीम नंबर 8 के बंदों की बात करी जाए तो भैया देवता को नॉक मिला ज़रूर था, पर रिवाइवल फटाफट से मिल चुका है, तो उसी के चलते भैया फाइट का आगाज़ हो चुका है। ऑन द TLS के ब्लेज डार्क को कर दिया जाएगा नॉकआउट।
तो टीम नंबर 22 वर्सेस टीम नंबर 8 होना चाहिए जरूर। 3-1 का स्प्लिट ले रखा है टीम नंबर 8 की स्क्वाड ने, घस्ट की स्क्वाड आई थिंक सो। यस, घस्ट की स्क्वाड दिखाई दे रही है। एक्सटी वाले बंदे 2-2 का स्प्लिट खेल रहे हैं, टीम एफएक्स वाले बंदे 2-1 स्प्लिट खेल रहे जरूर। यस, 2-1 का स्प्लिट देखने को मिल रहा है भैया। लेट्स सी पहली कौन ओपनिंग निकाली जाएगी। भाई मेरे को लग रहा है एक्सटी वाले बंदे ये वाले को ले जाएंगे जैसे आप 2v2 का स्पीड खेल रहे हैं भैया, थोड़ा बहुत दिक्कत तो में आ सकती है दोनों के दोनों टीम। मैं दाव लगाऊंगा एक्सटी के स्क्वाड पे, क्योंकि भैया एक्सटी के स्क्वाड इस टाइम पे बात करी जाए, इन्फर्नो, रोजो, फिटमैन, अनसासिन, ये रोस्टर है इनका भी इस टाइम पे। और बात करी जाए इधर ऑन दी अदर एंड, एक्जी की स्क्वाड क्लोज इन कर चुकी है G9 की स्क्वाड से, एंड गाड़ियों की दिक्कत रहने वाली है नहीं। बूबी ने अपना खाता खोल दिया है ऑफ एंगल का, अपना फ़ायदा उठाते हुए एक नॉक निकाल दिया जरूर है, बट खुद की भी हेल्प करा ली है 50 HP या 50 HP करा ली गई है। एंड इसी के चलते अपनी लोकेशन भी रिवील कर दी गई है, IF के प्रिंस चाहे तो स्पॉट कर सकते हैं। और बूबी आई थिंक सो एक और नॉक निकालने के लिए जाएंगे, बिल्कुल नॉक निकालेंगे एक्जी के। हेलियोस ओपी को आई थिंक जो स्पॉट आउट किया जा सकता है, बट प्रिंस वर्सेस बूबी होने वाला है, एंड बूबी को पता नहीं है कि भैया एक बंदा ऑलरेडी आ रखा है। भाई प्रिंस आओ देखा ना, तो आओ देख। अरे दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, बूबी ने देख लिया, बूबी ने स्पॉट आउट कर लिया, बूबी ने स्पॉट आउट कर लिया। गया है क्या ये गोल्डन एड होने वाला है? नहीं भाई, नहीं जा चुका है वो। एंड इसी के चलते अपनी लोकेशन भी रिवील कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रिंस भाई को पता चल जाएगा भाई पीछे तो कोई ना कोई है, IF के प्रिंस बढ़ते हुए। एंड इसी के चलते 3 स्क्वाड का क्लस्टर देखने को मिलता है। बूबी भाई को लगेगा कि उधर बंदा है, बट प्रिंस भैया वहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हैं। बात करें G9 के स्क्वाड की, वाइल्ड फायर एंड चरस भैया 3 स्क्वाड का क्लस्टर है, जॉर्जो पुल सिटी का एकदम अनुमान तरीका देखने को मिलता हुआ। वाइल्ड फायर की बात करें जाए तो भैया वाइल्ड फायर के बंदे अभी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। वाइल्ड फायर की बात करें जाए तो भैया हाथ में इनके है UMP+AKM। ओके, UMP+AKM का कॉम्बो है, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई पानी की तरफ क्यों देख रहे हैं ये। ओके, टीम नंबर 17 एंड टीम नंबर 12 का अकेला बंदा है, दैट इज़ प्रिंस भाई, अकेले ही बंदा बैठा हुआ ज़रूर है। और ऑल द अदर हैंड घस की स्क्वाड की फ़ाइट हो जाएगी चालू, उधर फाइट चालू हो चुकी है, एंड एग्जिटी के असासी नॉकआउट हो जाएंगे ज़रूर। बात करी जाए गाड़ियाँ निकाल ली गई है, एंड आई थिंक निकलने की तैयारी हो रही है एग्जीक्यूट की, आई थिंक सो निकलने की तैयारी हो रही है। पर बूबी भाई ट्राई कर रहे हैं अभी स्पॉट करने की, वो बंदा गया कहाँ भाई, बंदा गया तो गया कहाँ, उन्होंने कौन ही बताया कि भाई वो बंदा ऑलरेडी जाके निकल चुका है। BRT के किंग को किया जाएगा पिक ऑफ, एंड स्पॉट कर लिया जाएगा EXE के बंदों को, एंड ट्राई करेंगे यहाँ पर का स्प्रे कनेक्ट करने की, बट लेट्स सी क्या कनेक्शन हो सकता है। सामने से गाड़ी निकलेगी, एंड बूबी को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है, बूबी ने भी शॉट्स ट्राई करे, बट EXE वाले बंदे रुकने वाले हैं नहीं। बूबी को बहुत डैमेज दिया, बहुत कर डैमेज दिया, EXE वाले जा जरूर रहे भैया, पर सामने तो देखो, सामने मत देखो तो पीछे ही देख लो, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक सो ब्रिज को कैम कर रखा था पहले से, बट अभी तो सेफ है एकदम। BRT की स्क्वाड हो जाएगी वाइप आउट उसी के चलते ही। बात करी जाए तो अभी इधर होने वाली है G9 के स्क्वाड की फाइट हो सकती है, एग्जी का एक बंदा इधर रुक चुका है, दैट इज अगडू FAW, एंड TLS के डैनी ऑन देर एंड नॉकआउट हो जाएंगे, तो साइमल्टेनियसली दो फाइट चालू होती है। बट इधर चलते हैं भैया शॉर्ट आते हुए एक डू कू के ऊपर, एंड भाई 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 एकदम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए बूबी के सामने से निकालना चाहेंगे जरूर। बूबी आई थिंक तो स्पॉट आउट कर लेंगे, एंड शॉट्स दिए नहीं हैं, ट्राई करने थे ज़रूर बट शॉट दिए नहीं बूबी ने। बात करी जाए G9 की स्क्वाड की, तो भाई निकलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर लिया है, ओके गाड़ियों की दिक्कत होने वाली है। चलते हैं या स्नाइपर, तो डेड शॉट लॉकर पड़े, रिवाइवल मिल जाएगा आई थिंक सो, मिल जाना चाहिए, मिल भी जाएगा, मिल चुका है। 3-1 का स्प्लिट ले रखा है, सामने कौन सी स्क्वाड है, सामने भैया इनके है, सामने नहीं है पीछे है टीम नंबर 10 FJ की स्क्वाड। FJ भैया पहली बार देखने को मिल रहा है इनका गेम प्ले, मेरे को फर्स्ट टाइम देखने को मिलता हुआ ये गेम प्ले। बात करें जाए TLS की स्क्वाड की, तो TLS वाले बंदे अभी भी भाई भाई ये चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं भाई मेरे साथ, ये बंदे चीटिंग वीटिंग कर रहे हैं। बूबी ने एक आधा नॉक निकाल दिया है, एंड इसी के साथ फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। टीम FX की बात कर जाए, टीम FX वाले बंदे लड़ाई करते हुए अभी FX दिखाएंगे हम, कुछ भी हो जाए लड़ो भाई। ओके, इसी के चलते TLS के फोन इतने घस को कर दिया जाएगा नॉकआउट, एंड TLS वाले बंदे टीम नंबर 20 कैमरो ब्रोज इस टाइम पे नॉकआउट पड़े हुए हैं, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। इनका अंदाज जैनी को स्पॉट आउट किया जाएगा, हल्के फुल्के शॉट्स भी कनेक्ट हुए जरूर, पर ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाए। क्लोज इन हो चुका है, TLS के डेड शॉट को दिया जाएगा नॉकआउट,
एंड फैटल की स्क्वाड की फाइट हो जाएगी, नॉक फिनिश दिया शॉर्फ को, एंड इसे कितने टीएलएस की स्क्वाड की फाइट होने वाली है यासनाया में। तो आई थिंक तो एक बंदे को कर दिया जाएगा नॉक, नेड की ट्राई करेंगे टीम नंबर किसके ऊपर, ओके यहीं पे नीडिंग की ट्राई करी जा रही है। लेट्स सी डैनी क्या एक आधा नॉक देखने को मिल सकता है, ट्राई कर रहे हैं एक आधा नॉक निकालने की बट अभी तक सक्षम हो नहीं पा रहे। अगर ये नेड जाएगा तो भैया बंदा फूट सकता है, बंदा फूट सकता है, नेड जाएगा बट सही टाइम पे भैया टीम नंबर 8 के बंदों ने ले लिया है कवर, सही टाइम पे लिया टीएलएस के बोगा ने कर दिया एफजे के इग्नाइट 22 को फिनिश। और बात करी जाए टीम नंबर 8 के तो चारों के चारों बंदे एक ही अपार्टमेंट के अंदर जाके घुस चुके हैं। तो इस टाइम पे 4v4 फाइट होने वाली है टीएलएस की स्क्वाड वर्सेस घस की स्क्वाड, लेट्स सी 4v4 सिचुएशन इस टाइम पे। एक नेट जाएगा ना तो ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हुआ कैसे नहीं भाई, ओके क्लोज इन हो चुका है। लेट्स सी मौत का देवता, अरे 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 क्या नाम है भाई वाह क्या नाम है, जैसा नाम क्या कर पाएंगे वैसा काम। ये देखने वाली बात होगी कि भैया चारों के चारों बंदे हैं जिंदा घस की स्क्वाड के, नीचे कौन सी स्क्वाड है, टीएलएस की स्क्वाड है, टीएलएस के भी चारों के चारों बंदे जिंदा है। तो 4v4 फाइट होने वाली है क्लोज इन है मौसिन चलाते हुए। तो भैया कौन है इतने भैया, एरिज है एरिज भैया चला रहे हैं क्लोज रेंज में मौसिन, एंड ट्राई कर रहे हैं एक आधा नॉक निकालने की, सब के सब टीम ट्राई कर रही है बट ऑन दी अदर है MTMFX की बात करी जाए तो आई थिंक यहाँ से निकलने में बेनिफिट रहेगा। येस राइट डिसीजन मेकन बाय दें। बात करी जाए पोचिंग की में तो पोचिंग की में चार स्क्वाड का क्लस्टर हो चुका है, टीम नंबर 19, टीम नंबर TQ, फैटल ईस्पोर्ट्स एंड TC। एक नॉट जाएगा एंड एक ओपनिंग निकाल दी गई है। भैया नेड किधर फटा है, नेड किधर फटा है, ओके इधर ओपनिंग निकली कहीं और निकली है भैया ओपनिंग तो, ओके 200 IQ का गेम प्ले दिखाते हुए वरुण भैया द मंकी मैन आ चुके हैं, वरुण द मंकी मैन, वरुण के एक स्पॉट करेंगे, एक को नॉक करा जा सकता नहीं, मौत का देवता का आता वार रिफ्लेक्स भाई 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 गॉड और व्हाट गॉड गेम प्ले भाई, मौत का देवता क्या रिफ्लेक्स आया भाई, एक नॉक निकाल दिया जरूर है इसी के चलते, क्लोज इन हो जाएगा, मौत का देवता रुकने वाले हैं नहीं, एक और को स्पॉट करेंगे बट ऑन दी अदर एंड अभी नॉक होना पड़ेगा, फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे। कैमरा बॉय डैनी की हेल्थ काफी लो, डैनी फटाफट से हेल्थ मारेंगे भाई साहब, ये तो भाई सारे के सारे बंदे वो हैं और चिंपैंजी कते टार्जन की मूवी देख के टीएलएस वाले, फर्स्ट एड लगा ली जाएगी, बिल्कुल लगा जाएगी, आओ देखा ना ताओ फटाफट से एक और अगर नॉक निकल जाए दैट इज नॉट पॉसिबल। कैमरा बॉय वो दिस बैरल एक किल कंफर्म करेंगे जरूर, थोड़ा सा 1v3 सिचुएशन है क्या, ओके रिवाइवल मिल जाएगा मौत का देवता को, बिल्कुल मिल जाएगा, कैमरा बॉय रोकने वाले हैं नहीं, आगे बढ़ते जाओ कदम बढ़ाते जाओ, एक नॉक मिलेगा मौत का देवता को भी नॉक कर देंगे, इसी के चलते दो नॉक निकाल दिए गए हैं बट ऑन द अदर एंड मौत का देवता विद हिज UMP45 विद सप्रेसर भैया एकदम मतलब शांति से आए और शांति से पूरा चिल्लम चिल्ली बंद कर दी गई है भाई, बूबी ने पंच कराया एग्जी के बंदों को भाई भाई भाई, ये सब नहीं चलेगा भैया, पंच नहीं करना, ओके बात करें टी नंबर 19 के तो भैया विजार्ड नॉकआउट हो चुके हैं, गब्बर रिवाइवल देना चाहेंगे, बिल्कुल रे मिल जाएगा स्क्वाड हाउस में, हो रहा है मामला पानी सेट हो चुका है भैया। बात करें जाए तो अभी टी नंबर 16 फैटल स्पोर्ट्स की तो चारों बंदे जिंदा है, दो किल्स के साथ खेल रहे हैं तो डिसेंट परफॉर्मेंस होने वाली है इस टाइम पे। बात कीजिए सेंट्रलाइज जोन, ओके आई एम की स्क्वाड इज ये एवेंज S4D XD LF, ओके बात करी जाए इधर होने वाला है क्लस्टर मिलिट्री बेस के ब्रिज के पास होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लस्टर होना चाहिए और होगा भी टीम नंबर 9 के स्क्वाड ने ऑलरेडी ब्रिज कैंप बिठा रखा है बट ये इंटरेस्टिंग ब्रिज कैंप है क्योंकि ब्रिज कैंप ऊपर का नहीं है, ब्रिज कैंप है भैया नीचे का, दो किल्स है सुख ओपी को ऑलरेडी खो चुके हैं बट साथ ही साथ बात करी जाए शॉट्स जाएंगे जरूर, बिल्कुल शॉट्स आएंगे रिकॉन ओपी की तरफ से शॉट आते हुए समीर को कर दिया जाएगा 20 root NHP, यस काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया गया है। बात करी जाए टीम नंबर 9 के बंदों के तो टीम नंबर 9 के बंदे क्या चाहेंगे, निकलना या फिर किल्स की लालच के चक्कर में ब्रिज कैम्प किया जाएगा, किल्स की लालच है कि नहीं, लालच है कि नहीं, लेट्स सी देखने को पता चल जाएगा अभी कुछ ही मिनटों में क्योंकि भैया दो टीम्स का क्लस्टर देखने को मिलेगा अगर ब्रिज कैम्प किया गया तो भैया दो टीम्स का क्लस्टर देखने को मिलता है, और हो सकती है टीम नंबर 12 IF के बंदे जो कि सोच रहे थे कि भाई मिलिट्री बेस का ब्रिज क्लियर होगा बट नोप ब्रिज क्लियर है नहीं एंड आई डोंट थिंक सो भाई SLT वाले बंदे कर क्या रहे हैं क्योंकि समीर को नॉक कर दिया जाएगा विद इज DP 28 दैट इज MEK रिकॉन ओपी अपने DP लेट के चला नहीं रहे क्राउच करके चला रहे एंड टीम नंबर 12 के बंदे अभी अभी अगर स्पॉट कर लिया जाए रिकॉन को
क्या ये सही मौका है निकलने का? क्या रिकॉन सोच रहे कि भैया सीधा आओ, देखा ना ताओ, ब्रिज से ऐसे निकल के चले जाओ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? ब्रिज कैम नाम की चीज़ भी होती है कि नहीं? एंड आई थिंक यस यस ही इज़ डूइंग दैट एंड ही विल डू दैट, आई थिंक सो। ये सही सही है, सही है। एक नॉक कर दिया गया है, दैट द राइट ओपनिंग ही वॉन्टेड दैट। एंड रिकॉन ओपी, जो चीज़ की बात करी जा रही थी भाई साहब, भाई ब्रिज कैम्प की ऐसी की तैसी भाई, करो तुम ब्रिज कैम्प। स्याप्पा कर दिया भाई, स्याप्पा हो चुका है। बात करी जाए पोचिंग के, वापस चला जाए भैया विजाड़, विजाड़ भैया नूप को खो चुके हैं। गब्बर मॉन्स्टर विजाड़, तीन ही बंदे बचे हो रहे। फॉर्टल स्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, एग्रेसिव मूव पे ध्यान दिया जा रहा है। टूटो का स्प्लिट हो चुके हैं अभी, पूजा एंड 011 के स्प्लिट में भी और स्प्लिट हुआ जा रहा है। 01 का एंगल बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड आई थिंक मॉन्स्टर को स्पॉट आउट कर लिया जाएगा। बिल्कुल स्पॉट आउट कराया जाएगा ज़रूर, अगर एक और नॉक निकल जाए। दैट्स द ओपनिंग दैट फैटल स्पोर्ट्स वॉन्टेड राइट डाउ। एंड भैया सीनैरियो की बात कर जाए, सीनैरियो कुछ अलग ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टी क्यू वाले बंदे अभी शांति से बैठे हुए। ओके ये भैया कुछ तूफान से, तूफान आने से पहले की जो शांति होती है ना, वो दिखाई दे रही है मेरे को टी क्यू से, क्योंकि भैया इतना होल्ड करके बैठे, एक शॉट भी नहीं। रिकॉन भैया, रिकॉन ने उल्टा ही ब्रिज कैम कर दिया है। टीम नंबर कौन सी थी ये भैया? टीम नंबर थी 9। इसलिए कहते हैं भैया जो काम करो जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकोगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। जो ने ले लिया है कॉर्ड शिफ्ट एंड आई एम की स्क्वाड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है। एवेंज की स्क्वाड भी काफ़ी ओपी एंड इसी के चक्कर में बीचों बीच जिस चीज़ की ओपनिंग हम बात कर रहे थे वो दिखा दिया गया है। टीम एक्स हंटर स्लॉट फॉर इन, एक मिनट एक मिनट, फैटल स्पोर्ट्स अभी रुकने वाली है नहीं, रुकने वाली है नहीं। आओ देखा ना ताओ, दो बंदे आ गए, गाड़ी लेके घुस जाओ, नेडिंग करी जाएगी। बिल्कुल नेड करा जाएगा, हाथ में ले लिया है 0 ने नेड। क्या ये गोल्डन नेड होने वाला है? क्या ये गोल्डन नेड होने वाला है? बिल्कुल नेड जाएगा, क्या फटा जाएगा? नेडिंग हो रही है, रेड जोन बनाना पड़ेगा, रेड जोन बनाना पड़ेगा। क्लोज इन हो चुका है, मॉस्टर ऊपर आ चुके हैं भैया, एक नेड जाएगा जरूर। एंड पूरी की पूरी तबाही बना दी है, रेड जोन बना दिया गया है। गब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने लायक होगा। सीढ़ी पे आ चुका है एंड नेड आने वाला है, नेड आने वाला नहीं है, नेड आ चुका है, एक और नेड डाल दिया गया है। इसे कहते हैं प्री नेड, प्री नेड बोला जाए तो एक ओपनिंग निकाल दी गई, एक और नेड डालना पड़ेगा। गब्बर को भी किया जाएगा नॉकआउट। तो इसी के चलते मॉन्स्टर द ओनली सेवियर, मॉन्स्टर द सेवियर, मॉन्स्टर डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज गोइंग टू डू बी? गब्बर को किया जाएगा फिनिश ऑफ, नेड करा जाएगा, स्मोक कर रहे हैं। इसी के चलते मॉन्स्टर, क्या अपना मॉन्स्टर रुक कर पाएंगे? पैनिक सिचुएशन, एक नॉक वापिस आएंगे, क्राउच करेंगे। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग, फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, जंप करा है मॉन्स्टर को, किया जाएगा पिक ऑफ। बट फैटल स्पोर्ट्स विद देयर एग्रेसिव मूव, एग्रेसिव मूव भाई फैटल स्पोर्ट्स, एकदम प्यारे तरीके से जो उन्होंने निकाला है। अनुष्का को खोया बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से स्क्वाड नंबर 22 को एलिमिनेट करा है। ओके स्लॉट नंबर 14 पे चलते हैं फटाफट से, वरना भैया ये गुस्सा गुस्सा हो जाते हैं बंदे। भैया स्लॉट 14 कौन है भाई? भाई ये तो बंदे ही मर गए, LF वायरस YT तो सब बंदे ही मर गए ब्रो। भाई आप थोड़ा सा लेट आए हो हंटर भाई, हंटर भाई यू आर थोड़ा सा लेट। बात करी जाए रिकॉन भैया की, रिकॉन भैया आ चुके एकदम सेंटर ऑफ द जोन होल्ड करने के लिए। और ये स्नाइपर टावर क्रूशल कंपाउंड, क्रूशल कंपोनेंट होने वाला है, क्या कितना बड़ा रोल ये प्ले करने वाला है। बात करी जाए टी नंबर 23 की, S4D की स्क्वाड की, जिन्हें इसने स्पॉट आउट कर लिया है रिकॉन को, रिकॉन को स्पॉटेड है। बट बात करी जाए कौन सी स्क्वाड की, तो बात कर लेते हैं अपन, जोन स्टार्ट होने वाले एक मिनट के अंदर, पांचवा जोन चालू हो जाएगा। पर टीम एफएक्स की बात करी जाए तो भैया रोटेशन दे रहे हैं, IM वाले बंदे भी रोटेट देंगे, बट एवेंज की स्क्वाड दैट इज ऑलरेडी होल्डिंग दैट एज। चार के चार बंदे जिंदा है जरूर। एंड एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग जिसमें एवेंज ईस्पोर्ट्स के बंदे रोटेशन चालू कर रहे हैं एंड पीछे से IM की स्क्वाड आई है, भाई क्या टाइमिंग है बंदों की, क्या टाइमिंग है। अगर थोड़ा सा लेट होते तो भाई फाइट होनी तय थी। ऑन द अदर एंड TZ के नाम ने कर दिया है घस के प्रीडर को नॉकआउट। इसी के चलते TZ की स्क्वाड की फाइट हो चुकी है विद 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 ओके घस नॉकआउट पड़े हुए। द मौत का देवता, मौत का देवता किल्स खाते में 3 किल्स है भैया। अभी तक का गेम प्ले काफ़ी बढ़िया दिखाया है मौत के देवता ने। बात करी जाए तो इधर आ गया टी नंबर 8 के अभी शर्मा, अभी शर्मा के SSJ, वाह वाह वाह, मॉली वॉली करी जा रही है। प्रीडेटर ओपी को कर दिया जाएगा, रिवाइवल मिल चुका है, मेजर की तरफ से नेड आएगा ज़रूर, बट मेजर को किया जाएगा डैमेज, डैमेज भी करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। नूब को भी बढ़ते हुए शॉट एंड भैया मौत करिए तो रुकने वाले है नहीं।
रुकने वाले हैं नहीं, मैंने कहा है रुकने वाले हैं नहीं। एस्पोडे के स्कॉर्पियो को किया जाएगा जरूर से नॉकआउट, बट मौली की जाएगी। क्या ये मौली रुका सकती है मौत का देवता? नहीं भैया, स्पॉटेड हो चुके हैं, स्पॉटेड कर लिया है, रुकने वाले हैं नहीं, नहीं रुकेंगे भैया। अभी 3 किल्स है खाते में, 3 को 4 बनाना चाहेंगे, पेड़ रुपये ज़्यादा, एक प्यारा नेड एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया। बिल्कुल बहुत अंदाज अंदाज इनका कुछ निराला है, मेजर मेजर का भी अंदाज कुछ अलग ही दिखाई देता। वह नेडिंग ट्राई कर रहे हैं, नेड रुक नहीं रहे। एक आधा नॉक देखने को मिल सकता है क्या? क्या एक आधा नॉक देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल नॉक देखने की ट्राई जरूर कर रहे हैं। फेडल स्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, ओके 7-8 ऐसी दो जगह फाइट चल रही है। बात कर लिया टी नंबर 11 टी क्यू की स्क्वाड की, तो भैया ये स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा चुपचाप थी, तो जरूर पर एक बंदा बचा है, दैट इज टी सी का दूध, 1v1 प्रोफेसर बॉस दूध। ओके नेड से किया जाएगा, वेरी वेरी गुड नेट भाई, एक नंबर नेट, एक नंबर नेट। फैटल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं फटाफट से, किस्सा भी नहीं देरी के भाई, ऑल पे मत क्या करो माइक, ऑल पे मत क्या करो। फैटल स्पोर्ट भैया कत्ते अलग ही अंदाज से खेलते हुए जा रहे हैं, वाइल्ड को स्पॉट किया जाएगा, वाइल्ड को क्या नॉक कर सकते हैं? जाट नॉक कर दिया जाएगा, जाट नॉक करेंगे नहीं, जाट की तरफ चाहता भाई एक नॉक। ब्रो ये स्क्रीम कैसे खेल सकते हैं लंकर भाई? ये स्क्रीन आप खेल सकते हो, अभी मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, मेरे को DM करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके द लास्ट पर्सन सर्वाइविंग इज टीम AFC के डार्क, ओनली सर्वाइविंग ELF की स्क्वाड, देखते देखते फिनिश ऑफ हो चुके हैं। फेडल स्पोर्ट्स भैया ये बंदे कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, अलग ट्राई कर रहे हैं, 8 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्क्वाड के नेड आएगा क्या? एक नेड आएगा एंड जैक्स वाइट को क्या ही नॉक किया गया है, तो डार्क अलग गेम प्ले दिखाना चाहेंगे। जीरो को स्पॉट करेंगे, जीरो को नॉक करेंगे, इसी के चक्कर में भाई गलत 1v1 पूजा, व्हाट इज डार्क, कैन ही डू द 1v3, कैन ही डू द 1v3 पूजा भाई, भाई 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 पूजा विद इज M4, पूजा विद इज M4 भाई भाई भाई, लड़की से पिट गए ऐसा बोलना पड़ेगा अभी तो, अभी तो ऐसा बोलना पड़ेगा। पर OP 1v2 भाई, OP 1v2, नाइस वन भाई। ओके एस4डी की बात करें जाए तो भैया अभी जो जोन की बात करी जाए, जिसकी मैंने कहा था क्रूशल कंपाउंड होल्ड करा हुआ है रिकॉन ने, और एक किल भी है, किल कंफर्म लेना चाहेंगे वैनम का, वैनम का किल स्टील करने की ट्राई कर रहे हैं, बट टीम FX वाले बंदे इधर एवन की स्क्वाड पूरी के पूरी आ चुकी है, एंड रिकॉन वाइटी थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। एवन की स्क्वाड आ चुकी है, फटाफट जाएगी, रिवाइवल देंगे, बिल्कुल देंगे, रिवाइवल मिल जाएगा एस4डी के, शांत करा जाएगा एक मोहसिन मार के कि भैया आप थोड़ा सा छुप रहो, क्योंकि पीछे भी XT वाले बंदे आ चुके हैं, इनकी भूला नहीं जा सकता, इनको भूला नहीं जा सकता, क्योंकि भाई चारों के सारे बंदे जिंदा है जरूर, कोऑर्डिनेशन इनका एक नंबर रहता है। बात करी जाए जोन होल्ड कर लिया है, छठा जोन स्टार्ट हो चुका है, छठा जोन बनने वाला भी है, किसकी तरफ जाएगा ये जोन? फाइनली स्पोर्ट्स एंटर ऑफ द जोन ले चुकी है। बात करी जाए ओके रिकॉन वाइटी को कर दिया जाएगा पिक ऑफ, इसे खेलते पूजा जीरो को एंड जैक्स सेवियर, जैक्स द सेवियर, ओके ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवर भी ले लिया जाए तो भैया इधर फाइट होने वाली है दो स्क्वाड की, XT वर्सेस होने वाला है S4D, देखते हैं भैया कौन जीतता है, देखते हैं भैया कौन जीतता है। इन्फर्नो ने स्पॉट कर लिया गया स्कॉर्पियो को, रॉकी चिकन कौन मारेगा भाई? ओके चिकन मार सकती है, फैटल स्पोर्ट्स नहीं मारेगी भाई, XT वाले बंदे मार सकते हैं, XT वाले बंदों पर थोड़ा बहुत है, एक्स वाले बंदों पे है, इसे क्या चलते हैं टीम FX के बंदे हो जाएगी आई थिंक सो वाइप आउट। एवेंज की स्क्वाड की बात करी जाए तो एवेंज वाले बंदे तीनों जिंदा है, 2 किल्स के साथ हैं जरूर, बट भैया फैटल स्पोर्ट रुकने वाली है नहीं, एक लड़की पूरी लॉबी को डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज पूजा, पूजा के 3 किल्स हो चुके हैं, जैक्स के 6 किल्स हो चुके हैं, भैया क्या हो रहा है S4D? ओके लेट्स सी बात करी जाए किसकी होने वाली है प्रेडिक्शन सही, तो पूजा भैया रुकने वाली है नहीं। असासिन की बात करी जाए 10 मिनट दूर है जोन के, एंड एक ओपनिंग की ट्राई, एक ओपनिंग की सोच रहे हैं, ओपनिंग का निकाल रहे हैं जुगाड़। बात करी जाए XT 2 किल्स है साहब हाथों में, 20 भाई ऑल में मत करा करो नूबड़ो, कितनी बार ये बोला ऑल में मत करा करो, पूरा माइंड के ऐसे कर देते हो। ओके जिसका हवा था वो कर दिया गया, आओ देखा ना ताओ, घुस जाओ भैया, रुकना नहीं है घुसना है। ओके देर वी गो, अपना जोन बना लिया गया, जिस ओपनिंग की बात की जाती वो ओपनिंग मिली, एंड उसी के चलते आप जोन पे बने भी हैं इस टाइम पे। फेडरल स्पोर्ट की बात करी जाए तो भैया इनको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता, लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुके हैं पूजा विद हिज फ्लैंकिंग से आ चुके हैं जोन के अंदर, ये भी आ चुके हैं फेडरल स्पोर्ट 11 किल्स का डोमिनेशन लेता हुआ, जिसमें कि 3 किल पूजा के हैं, एंड वो 6 से 7 किल जैक्स के, जैक्स के डोमिनेशन एंड पूजा, भाई इन दोनों के जोड़े कते ही मतलब आग लगा रही लॉबी में। बात करी जाए तो XT वाले बंदे, ओके भैया गाड़ी में मत बैठो, गाड़ी में मत बैठो, रॉस ऑफ हो जाएंगे नॉकआउट, इसी के चलते
फैट अली स्पोर्ट्स की फाइट होने वाली है एक्सटी की स्क्वाड से। अगर ये फाइट हो गई, एवेंजी स्पोर्ट्स की फाइट हो रही है मौत का देवता से, मौत का देवता। भैया अभी तक अपने नाम का पूरा अंदाजा नहीं सही लगाया गया है। 4 किल्स है इस लॉन्डे के हाथों में, क्लचेस पूरे भरपूर करे हैं, भले ही नॉक मिल जाए मेरी नज़र न लग गई इन्हें। ओके नॉकआउट हो चुका है, 30 सेकंड बचे हैं जोन स्टार्ट होने में, 8वां जोन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सटी की स्क्वाड की बात करें तो रोजोप को हो जाएंगे, खो दिया जाएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूजा भैया, जैक्स भैया यहाँ पे एक अलग सा ही एक एंगल बनाने की ट्राई कर रहे हैं, बट 15 सेकंड में जोन चालू हो जाएगा। इतना टाइम हो नहीं आपके पास, इतना टाइम है नहीं, पर पूजा के पास क्या एंगल है? पूजा के पास भी एंगल नहीं है। इन्फर्नो क्या जोन के अंदर है? इन्फर्नो जोन के अंदर है, दैट्स वेरी नाइस। जैसे कि मैंने कहा था कि भैया ये दिक्कत है, मौत का देवता और देता रहना आ चुका है, और देखा ना ताओ जीदा घुस जाओ भाई, मौत का देवता बनी, मौत के ऊपर सवार, मौत का देवता विद इज मौत का भाई जोन के बाहर भाई। ओ भाई भाई, ओ भाई, पैनिक सिचुएशन, पैनिक। इसी के चलते असासिन को स्पॉट करेंगे, जैक्स वाइट असासिन को नॉक करेंगे, एंड इसी के चलते एक्सटी की टीम देखते ही देखते दिक्कतों में। हिटमैन भैया जोन के बाहर है जरूर, हिटमैन को भी स्पॉट किया जाएगा। इन्फर्नो द ओनली सर्वाइवर राइट नाउ, इन्फर्नो द सेवियर, इन्फर्नो द डिस्ट्रॉयर। देखते हैं क्या होता है, क्या गुड्डू की प्रेडिक्शन सही जाएगी। घस्ट प्रेडेटर ओपी सोलो, बट नहीं, नेड करा जाएगा। ऐसे के चलते नॉक किया जरूर, बट एक्सटी की स्क्वाड ले जाएगी इस मैच से अलविदा। एसबॉडी की टीम वो दे 3 मैन सर्वाइवर राइट नाउ, 3 किल्स है जरूर। बट भैया फैट अली स्पोर्ट्स प्रेटर ओपी भैया, ये वाली बात हो जाएगी। एवेंज वाले बंदे भी बचे हैं अभी, 3 किल्स के साथ है 2 बंदे, वेनम एंड डेविल हिंद। ओके, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। एवेंजर्स वाले भाई बॉट बंदा है, जॉल पे बॉट बंदा है, स्ट्रीम पे आ तो देख बॉट। ओके, बात माय प्रेडिक्शन ऑलवेज ओपी, लेट्स सी। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है गुड्डू मेरे भाई, अभी प्रेडिक्शन बात तो सही है बट अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। स्पॉट की बात कर जाए, एवेंट डेविल इन स्पॉट किया जाएगा, बट प्रेडेटर ओपी अपना पूरा काम करेंगे, एक नॉक करेंगे, फैटल को किया जाएगा नॉकआउट। क्या प्रेडेटर एक और अपना काम करेंगे भाई, लेट का ये बंदा पूरा डोमिनेशन दिखाता हुआ। पूजा को स्पॉट किया जाएगा, जीरो को स्पॉट आउट कर लिया जाएगा, तो इसी के चलते पूजा ट्राई कर रहे हैं 1v3 प्रेडेटर, वो इट इज 1v3 एंड एवेंजर्स, नो दैट इज गोइंग टू बी एवेंजर्स विद दैट चिकन डिनर। आर यू सीरियस? ओके नोप, एसबॉडी, अरे भाई भाई भाई, गुड्डू और व्हाट, मैं देख लूंगा ऑल वाले को रॉकी, अरे भाई गुड्डू और व्हाट भाई, प्रेडिक्शन और व्हाट, बाय 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 भाई 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 गजब भाई, प्रेडेटर ओपी भाई, लास्ट में 1v3 अगेंस्ट फैटल ईस्पोर्ट्स, जो लग रहा था कि भाई एक क्रूशियल प्ले रोल प्ले कर सकती है, उसको भाई 1v3 करा है लास्ट में, तो भाई कुछ भी हो सकता है। दिस इज द गेम ऑफ प्रेडिक्शन गुड्डू गॉड। अरे अरे अरे, हाँ भैया अभी तो बोल दिया, मैंने खुद ही बोल दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में देखते हैं, नेक्स्ट मैच में देखा जाएगा। बात करी जाए तो पहला चिकन निकाल चुके हैं नाइट मैच का, दैट इज S4D की टीम। स्किल्स की बात करी जाए, 01405 किल्स के साथ निकाला गया है ये चिकन। एवेंज की स्क्वाड की बात करी जाए, 0113 5 किल्स का, जिन्होंने भी चिकन नहीं निकाल पाए। #2 है, #3 रनर अप, मौत का देवता विद 4 किल्स एंड प्रेडेटर ओपी 6 किल्स, सब मारो। ओके भैया प्रेडेटर ओपी ने 1v3 करा भाई लास्ट में, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट 1v3 जो देखा है मैंने अभी तक। किल्स की बात करी जाए, 4-6-1 11 किल्स के बाद, तो लेट्स गो। ओके तो भैया अभी हम जरा वो शेयर करके आते हैं, तब तक अब लाइक ठोक दो, सब्सक्राइबर तक भाई कंप्लीट कराओ। एवेंजर बोलते HK बॉस भाई, एवेंजर्स भाई नाइस गेम प्ले भाई। #2 आए आउट ऑफ नोवेयर, एवेंजर्स का कोई चांस देता है मेरे हिसाब से एवेंजर्स का कोई चांस था नहीं। नाइस वन HK बॉस भाई, काफ़ी बढ़िया गेम प्ले दिखाया आप लोगों ने भाई। एक सब्सक्राइबर्स कम हो गया है, बढ़ने की जगह घट रहे हैं, क्या हो रहा है भाई ये? भाई दिन रात स्ट्रीम करो, उसके बाद आप यार सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर घटा रहे हो, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू भाई। बहुत सही लॉन्डो, एकदम मज़ेदार भैया। आज हमें 310 सब्सक्राइबर्स का गोल रीच करना है सेकंड मैच ख़त्म होने के बाद तक, ठीक है भाई? मेरे को नहीं पता, आप लोग जाओ फटाफट से जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने टीम को शेयर करो भाई, बट समझ जाओ आप लोग, समझ जाओ, ठीक है?
जाओ फटाफट से शेयर करो। ओके सब मारो लौंडा तेज बनता है आज। यस 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 गुड्डू ब्रो। ओके सो मैं आया स्क्रीनशॉट शेयर करके, एक मिनट बुलाता हूँ। आ जा आ जा। ओके ओके डेक्स को बुला लिया जाए। गया डेक्स को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। मेल किस चीज़ की मेल आई है भाई? रिटर्न बफ मैच भाई। ये कौन सा मैच है भाई? भाई भाई एक मिनट, थोड़ा आईपीएल का भी थोड़ा चस्का वस्का है ज़रूर। आ रहा रुक। ओके ओके आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग भैया एक मिनट। भैया थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ दे दिया जाए इसमें तो भैया। चल जाना, मरना मत स्मित भैया। स्मित भैया जी ओके दिल्ली वर्सेज सनराइजर्स 159 पे 4 विकेट। ओके ब्रेस्टो बैटिंग कर रहा ज़रूर है बट कैपिटल की बात करी जाए तो भैया 34 मार दिए लॉन्डन ने। सही है, एक छक्का 3 चौके। 34 ओके 28 मारे धवन ने। चलो भाई तेरा अभी है गेम में, गेम में थोड़ी बहुत जान है। पर पृथ्वी शॉ ने भाई 53 मारे ना, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ गई पता है जहाँ पे पृथ्वी शॉ ने मारे। बट हेटमायर गलत आउट हुआ है। ओके नॉर्म ओपी भाई, नॉर्म ब्रो हैग और वॉट, हैग और वॉट भैया आपकी टीम भी खेल रहे हैं, हमें पता नहीं था आपकी टीम भी है टीम में, हमें ये पता नहीं था। बात करी जाए तो भैया ओके भैया ब्रेस्ट्रो भैया को थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। ब्रेस्ट्रो भैया अपने हाथ वाथ खोल दो जरा फटाफट से। रवाड़ा और आर अश्विन को नहीं लिया। कैप्टन यूट्यूब एवेंज भाई 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 बहुत सही भाई। रात पहला मैच बढ़िया था, पहला मैच बढ़िया। लेट्स सी क्या होता है। सनराइजर्स के कम हो रहे क्या चांसेस जीतने के भाई? ऐसा वैसा मत बोलो यार, सनराइजर्स के चांसेस ऐसे कम बम मत करो। ब्लैक क्लचर अरे भाई ये लो। ओके सो भैया गलत ही स्कैम होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। फटाफट से लाइक वाइक ठोक दिया जाए, लाइक वाइक ठोक दो, सब्सक्राइब वब्सक्राइब ठोक दो और बस। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी में और क्या चाहिए? ये चाहिए बस, यही तो चाहिए। फटाफट से आ जाए भैया, कुशल वेट कर रहे तेरी, जल्दी आ। जल्दी आ जा बेटा। अरे 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 भैया सीटी वीटी भी मार दी गई है यार, मैं ले नहीं सकता। 180 पॉइंट है, 12 की वॉचिंग आ रही है भैया। वाह भाई सारे के सारे फटाफट सब्सक्राइब कर दो। 310 सब्सक्राइबर्स का गोल है भाई आज, 310 सब्सक्राइबर्स का गोल है भैया। कंप्लीट करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और जिन जिन ने नई वीडियो नहीं देखी भाई, कॉम्पिटिटिव स्क्रिम्स की वीडियो डाली है ओके IGL प्लस असॉल्टिंग, फटाफट से जाके देखो अगर अभी तक नहीं देखी है तो। जाओ फटाफट से देखो। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ अभी, एक मिनट रुको। वो बंदा मांग रहा था, रुको एक मिनट, मैं अपने इंस्टाग्राम के लिंक डाल देता हूँ। एक मिनट पॉज द वीडियो, देयर वी गो। ओके भाई सीटी वीटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो अच्छा रहेगा। ओके इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया गया तो भाई चेकआउट कर लो, वहाँ पे DM करो मेरे को ठीक है, DM कर दो एंड देयर वी गो। आप मिलते हैं। क्यों दिल्ली से ये लोड आउट ब्लैक तो ले लो ब्रेश। ओके तेरे लाइक कंप्लीट हो चुके, फटाफट से कर दिया जाए तो बात बनेगी। बोले तो ये था क्या? पता नहीं दिल्ली से कौन जीता। अब मैं तेरे को जाना, मैंने नहीं देखा था तुझे, पता कौन जीता? दिल्ली से कौन जीता? लो तू आखिर तेरी त्रिमाई चूत में गोली चलाने लग रहा था बैंक की लोड़ी के। अरे मेरे भी करवा दो यार कुशल भैया, आप तो प्रो हो रहे हो कतई ही, मेरे साथ कर लो यार, मेरे साथ कर लो कुशल ब्रो। कुशल भाई आप तो प्रो प्लेयर हो यार, आप तो मेरे साथ कर लो। बनाओ एक और रूम
2v2 बनाओ एक बना रहा हूं डेविल डेडली सीन और मैं तुम दोनों ठीक है बनाओ ठीक है ठीक है अरे ये लो भाई एक कैच भेज देता हूं उस लौंडे को ब्लैक सोल क्या ये काली आ तो चलो भाई आ जाओ बूम बम मचाते हैं क्या देर भाई को भैया मैच हो चुका है चालू होने वाला है एक थोड़ा कस्टम बस्टम सा खेल लिया जाए तो बात बन जाए भैया 10 लौंडे देख रहे हैं फटाफट से भाई भाई सही है भाई पर यार 9-10 में कैसे कास्टिंग करूंगा यार मेरे खुद के स्क्रिम्स होते हैं यार ये दिक्कत होने वाली है भाई सीटी की आज को इग्नोर करना घर पे खाना बन रहा है ठीक है तो चलो भैया 2v2 हो चुका है चालू इसी के चलते ही देखते थोड़ा अपना स्किल विस्किल दिखाया जाए आपको थोड़ा स्किल्स दिखाया जाए अरे चल भाई इसके साथ नहीं आऊँगा मैं इसके साथ नहीं आऊँगा कुशल के अगेंस्ट जाना है मेरे को ऐसे सही है क्या 3v2 क्या ऐसा क्या अरे 3v2 अरे 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 सीरियसली ओवर कॉन्फिडेंस लेट्स सी तुम्हारे भाई के स्किल्स देखो भी तुम कैसा मरता हूँ मैं अबे देखो तुम्हारे भाई के स्किल्स एकदम जहरीले वाले जीना रे इनविंसिबल तू खेल ले रहे सैनी मैं देख लूंगा सैनी कंड भाई आ भाई यार खेलना है के यार खेलना है के भाई मेरे को थोड़ा आता आता नहीं खेलना हेलो ना लेट्स सी भैया तो M24 लेके आ रहे हैं भाई एक चीज बताओ बोलो मेरे भाई ए यार M24 अरे यार वो इक्को मारो एक चीज बताओ यार मेरे भाई बोलो यार आप लोग बताओ एक क्या दो बोलो यार मेरे हाथ में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा अरे हेड आप न्यू आईडी से एडवांस कस्टम रूम क्यों बना रहे हो भाई आई डैमेज है बहुत ज़्यादा नो मर्सी ओ भाई हेड और व्हाट ब्रो अरे नहीं भाई नहीं हेल्थ ही नहीं थी भाई आप न्यू आईडी से एडवांस कस्टम क्यों बना रहे हो भैया ये तो जवाब इनविंसिबल भाई देंगे इनविंसिबल भाई इन द चैट हैं तो भैया मैनेजमेंट जवाब देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है मतलब थोड़ा बहुत ही पता है अरे छोड़ दे भाई अरे भाई क्या बोला भाई नए अकाउंट से एडवांस रूम इसलिए बना रहे क्योंकि पर्सनल अकाउंट थोड़ी ना शेयर होंगे अरे 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 भाई 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 सही जवाब है सही बोले भाई भाई ये क्या है ये भाई एग्जैक्टली स्क्रिम्स का अलग आइडिया है भाई मेरी हेल्थ कम है अरे यार तेरे खुद टीपी भी ले रहा है मुझे कैम कर रहा है टीपी भी ले अरे भाई मरा कैसे नहीं 92 खाया है भाई बंदा मार भी रहा है का तो महान प्लेयर है सैनिक में तो भाई खेल रहा कितना दिन हो गया ओ भाई इफ यू डाउट डीएम अस फॉर अरे यार भाई पेमेंट इवेंट की बात मत करो भाई इधर किसी को नहीं चाहिए यार जो जो है अपना टाइम तो बिठा दे भाई यार मैं दिखता किस तरह था तो मर तू भाई बिना मारे नहीं मरूंगा 61 छोड़ ना गुड्डू गुड्डू चिल वही तो मैं कह रहा हूँ चिल मारो भाई इसको मैं छोड़ कर मार रखी है मारो यार ऐसे उससे रे 81 के डैमेज है भाई 81 के उसका 20 है भाई मार दिया नहीं हम बहुत रूम बहाता हूँ इसलिए क्योंकि ट्रिक बिक है क्या इसलिए अरे 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 104 के डैमेज
नू वो नू बेचारी करीमा हटा बो थोड़ा अरे तू ना बोले सैनी तू छोड़ तू रे 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 काफी डैमेज है बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है नॉर्मली ले रहे हैं अरे भाई मेरा चैनल चेकआउट कर लो दिख जाएगा अरे भाई आप कार्डिंग वार्डिंग करते हो क्या भाई कमल खेल ले बढ़िया मेरा तू खेल ले गे चल ठीक है मैं ये नूब है क्या तीनों आगे देने भाई रोने पे आ गए भाई गलत ओके ओपी थैंक उसमें भी लोग कौन दिखता है अरे भाई रूम कैसे भी ले लो यार आप खेलो ना आप लोग खेलो बस आप चल ने मारवा साले एक करा दूंगा जिगल द रेड टीम इज इन द लीड हम तो डैमेज दे रखे हैं भाई तो इसका कुछ चलता भाई हम लोग मार गए आपको रोस्ट में और आप स्टिल दिक्कत ही रहा रोई सिद्धार्थनाथ हेलो भैया हेलो ब्रो हाउ आर यू हेलो ब्रो इंटरनेशनल परचेज वाला मास्टर से करे माँ का चुच्चा ले बैठा हूँ मैं बहन चोर रांड के बीच तू पीपी ले बैठा है कौन पूछ रहा है ये सिद्धार्थ नाथ रूम कार्ड है क्या किसके पास है रूम कार्ड तो है भाई सबके पास है रूम कार्ड तो है भाई यार मैं पिट कैसे रहा हूं इधर लुका बैठा हुआ मैं चौधर हूं यार 3v2 ऐसा मजा नहीं आ रहा भाई वो भाई छुप छुप के खेल रहे यार ये चल चूती है बढ़िया खेलते हो ब्रो अरे भाई कहाँ भाई अपन कास्ट करवा के बैठे भाई 3v2 में क्या ही मजा आएगा भाई वन ई वन करेंगे आ जाओ मेरा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपसे आपको मार के अरे भाई मार लो यार आप भाई मेरे अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ वही ये देख रहे हो भाई कैसे ये कैसे बंदे देखो भाई लौंडा मार के एकदम खुश हो रहा है देख रहे हो भाई मेरे को तो किले नहीं दे रहे भाई ये लोग ये भाई 3v2 में ये दिक्कत है बताए मार के नहीं मार के नहीं मार खा के अरे भाई यार अरे यार 86 भाई रूम अगर थोड़ी काम में मिलता तो हम ले लेते क्योंकि मुझे डेली जरूरत होता है अभी 30 दिन का लिया रूम कार्ड का रूम कार्ड भाई 7 दिन का तो सुना है 30 दिन का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ चलो भैया खत्म करो मामला पानी भैया दिमाग बोसड़ा तरीका कोरियन में होता है भाई कैसे होता है हमें भी पंद्रह सौ लगा मतलब क्या सीन है भाई वो अच्छा कोरियन आईडी में ओके 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 30 दिन का होता है 1500 UC का मिलता है क्या हमें भी 1500 लगा रे रे रुपीज से रूम कार्ड ओके 1500 रुपये का मिला ओके 1200 UC 1500 में भाई तो कार्डिंग करवा लेते यार इंटरनेशनल टैक्स के साथ भाई क्यों जब कार्डिंग से हो सकता है तो भाई व्हाई यू पे मोर
भाई यू पे मोर भाई कसूती जी गलती भाई क्या ब्रो व्हाट द हैक ब्रो कुशल व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो व्हाट इज दिस कुशल चल दोबारा बना ले तू 2 वर्सेस 2 का और तू टूटिया था चल बना ले 2 बाय 2 बना लो फिर से बच्चों से कार्डिंग करवाओगे तो भाई केस होगा जब से दे दो बट स्क्रीन बंद मत करो जेब से दे दो बट स्क्रीन बंद मत करो भाई मैं आ जाऊँ TDM में कैप्टन YouTube भाई इस बंदे के पास है रूम कार्ड और ये बना रहा है मेरे पे नहीं है रूम कार्ड आएगा मैं आपको पक्का बुला लूँगा रिक्वेस्ट भेज दो मेरे को ठीक है मैं आईडी शो कर देता हूँ येरी आईडी ओके देर वी गो 2v2 खेल रहे भैया भाई मेरे साथ क्या खेलोगे यार आप इनविंसिबल के साथ खेलो इनविंसिबल भाई आपकी क्या प्रैक्टिस कराएंगे देखो क्या ही प्रैक्टिस कराएंगे भाई इनविंसिबल द गॉड इनविंसिबल द मेरे पास अनलिमिटेड है 27 डेज का अच्छा आपके पास है मेरे को रिक्वेस्ट भेज दो क्योंकि मेरे को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपन खेलेंगे रात भर खेलेंगे 1-2 घंटा 1v1 लेट्स गो प्रैक्टिस हेड एम ओनली हेड टीम मैच लेट्स गो देयर वी गो भाई अपनी आईडी लिख दो यूट्यूब ब्रो आईडी लिख दो अपन खेलते हैं इस वाले मैच के बाद 1v1 अरे 149 की है 100 की है इतने ही है 48 की दोनों का डैमेज है ओ 104 86 भाई कैसे भाई बंदा झूठ बोल रहा है 49 कुछ नहीं था भाई यो एटीपीपी आ गया त्रिम तारी मां का बोसड़ा यो टीपीपी आ गया अरे भाई अभी कुशल फॉर्म में आ रहा है अभी कुशल फॉर्म में थोड़ा सीरियस खेलना पड़ेगा भाई अरे यार ये बंदा टीपीपी कैसे लेके बैठा एकदम खड़ा है भाई ये बंदा तो मेरे को मारने के लिए चल 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 कर दे चटाई हाँ भाई चोक भाई चोक भाई चोक कितना हो रहा है भाई फाइट ले आ रहे हैं इसकी दूसरा बंदा मार रहा है मेरे को लड़ ले तीन की बार मार के मेरे भाई ये बंदा बहुत पो है भाई चौक भाई हेड मारने के बाद नहीं मरते बंदे अरे यार तू डैमेज कौन दे जानदा ब्रो कर रहा है तू भाई डैमेज भाई दो दो हेड मार रहा हूं बंदे नहीं मर रहे भागो डैमेज दे दी अबे हेल्थ तो देख मेरी क्या डैमेज दे दी तेरी हेल्थ तो देख ले चचा अबे करके बढ़िया
चौक 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 अबे यार अरे ब्रो भाई अबे आगे आकर खेल देखो नहीं बैन के दिन है भाई 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 ये बंदा बहुत टॉक्सिक है चल यार बहुत टॉक्सिक है बंदा ले यार खड़ा हो जा चूतिया जाके ने भाई भाई डैमेज मार देगा आराम से अरे 170 ही डैमेज है एक गोली भी कौन खाओ गंडवा एक गोली भी कौन खावे अरे 170 ही डैमेज है ब्रो भाई 111 मारो स्ट्रीम पे जाके देख यार तू मर भाई मर ही नहीं रहे हेड वेड सब मार रहा हूँ यार आ जा ले हाँ आ जा अरे यार के कर रहा है लाते मैंने इस तरह पहला तो बहुत सही खेल रहा था यार तुम भाई एक्सपायर्ड रीलोडिंग हल्के मेरे अंडा करा ये ले 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 स्लाइड ले 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 बेटा यस अच्छा ना मेरी डैमेज है मर जा 70 है मेरा मुझे आज सेकंड आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ओके 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 माई चूत का डले ही बैठ के लोड़े तेरी बेटे का पोस्टा तेरी का फुल डैमेज है रखे भाई कुशल का भी हाँ हल्के में ले रहे हैं ये डबल बेटे अरे भाई इसको भी मार दिया था पीछे से पीछे जान लग रहे हैं बहन चोद रंडी जी भाई गलत टॉक्सिक बंदा है मेरे साथ एकदम तो कड़े हो ताली माता बोतड़ा करेगा है कड़े हो ता कड़े है साले ही जड़े दिखे कि ते बहन चो दिखे कि ते साले लुके पड़े हैं बहन चो दरान एक्सेलेंट वर्क अरे ब्रो क्राउच एंड शूट मुझे स्ट्रीम स्टार्ट करने फिर जॉइन करना पड़ेगा चल चुकड़ा चुतना में छूट दूंगा अगंत्र है हां भाई अभी तो मार दे मुझे रूम स्टार्ट करने करके फिर जॉइन करना पड़ेगा ओके ऐसे करते ये वाले मैच खेल लेते हैं मतलब ये वाला कास्टिंग करके देन आपके साथ खेलेंगे पूरा पूरा खेलूंगा पूरा हां 14 क्रिएट फिर मैं हेलो अंशंदन ब्रो हाउ आर यू या ओ
ओपे मार दिया भाई। मैं टीपी भी ले रहा था एक बार, टीपी भी ले, जीत गए भाई जीत गए। तेरी माँ का भोसड़े का टीपी भी देख, तेरी माँ की भोसड़े का टीपी भी देख ले मेरा। भाई भाई भाई, ओ भाई हारना नहीं है भाई, हारना नहीं है भाई। सबसे फनी बंदा था भाई ये, सबसे फनी बंदा था भाई ये। मैं आईडी पास लेके आया, एक मिनट वेट करो भाई। भाई भाई क्या ही लौंडा था भाई एकदम। भाई आईडीपी तो दे दिया करो यार। यार ब्रो भाई, भाई ये सब सीन गलत है यार। आईडी पासवर्ड तो दे दिया करो कम से कम यार। भाई 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 भाई, ठीक है भाई आईटी पास ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। अरे कोड ही होना चाहिए था कम कमिंग पे, कार में विटामिन सी ज्यादा है, विटामिन टू क्या ज्यादा है कार में। कल बुलाओ, कल तक खेले ना। इसमें ब्लैक सोल में तो विटामिन जी भी जाता है, गंडवा विटामिन, गंडवा अगर मैं तो विटामिन मरा दे। अबे भाई लाइव चल रहा था भाई, बंदे ने पूरा मौज कर दिया भाई साहब। भाई जो भाई गलत ही सीन भाई एकदम। अबे नहीं कास्टिंग कर रहा था ना अभी, अरे कास्टिंग कर रहा था भाई, भाई गलत ही सीन भाई, मजा आ गया भाई। आईडीपी लीक, भाई आईडीपी टू डबल थ्री वन थ्री जीरो वन, 2331301 क्या है, मैं कवर ले खेलता को नहीं भाई। स्टार्ट कब है भाई? टू डबल थ्री वन थ्री जीरो वन, खेलो ना कवर। 2331301 भाई ये ओपन है रूम, रूम ओपन क्यों कर दिया? लेट्स गो, सही है भाई रूम ओपन कर दिया, नाइस। ओ भाई 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 भाई, ब्रेस्ट्रो वार्नर आउट हो गया है। 38 उसने भी ऐसे कुछ बनाए हैं तो अभी जान है बाकी गेम के अंदर। विलियमसन मैंने लिया था बिल्कुल, हाँ मैंने विलियमसन लिया था, बट विलियमसन किसी का वीसी है क्या? एक मिनट में, एक मिनट में आया। ओके
मिश्रा जी बॉल डाल रहे हैं, रबाडा ने अभी तक स्टार्ट नहीं करी। स्टोनिस की ओवर में 12 रन। ओके ऐसा भी होता है भाई, मैं एक मिनट में आया। ठीक है एक मिनट में मैच का हाल चाल देख के आ रहा हूँ, एक मिनट। करते जाओ तुम्हें बूस्ट मिल जाएगा जैसे मुझे डायरेक्ट। क्या 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 भाई, वाटसन भैया कुछ अलग अंदाज में चल रहे हैं भाई। मेरे पॉइंट्स कम क्यों है भाई, 65-35। वजय शंकर ओके, ये तो भाई मैंने बीट तो कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस देयर वी गो, कैप्टन वार्नर था, वाइस कैप्टन शिखर धवन था, दैट्स इट। वाइस कैप्टन विलियमसन है बट शिखर धवन 43, हेटमायर वार्नर गया, पृथ्वी शॉ पंत, कुछ बचा नहीं है इनके पास तो। ओके क्लीन चिट, दैट्स वे दैट्स हाउ। बट अभी भी है विलियमसन, अगर रन बनाएगा मेरे ही बनेंगे। ओके सो भैया क्या बोल रहे हो आप, करते जाओ तुम्हें भी बूस्ट मिल जाएगा जैसे मुझे डायरेक्ट। 1-4 के सब 20 दिन में हो भाई, मेरे को पता है, मतलब मेरा सीन ऐसे है ना, मतलब मेरे को बूस्ट नहीं चाहिए यार, मतलब मेरे को बूस्ट नहीं चाहिए। आई नीड जस्ट सब्सक्राइबर्स दैट वॉचेज माई वीडियो एवरी डे, दैट्स 1K सब्स का चैनल भाई मेरे बंदे का है, मतलब मेरे टीममेट का ही बंदे का है, उसका 1.5K सब्सक्राइबर्स का चैनल है। ठीक है तो उसका चैनल अप्रॉक्सीमेटली डेड हो चुका है, ठीक है। डेड मतलब समझ रहे हो आप, उसे बूस्ट तो मिला था, ठीक है बूस्ट मिला बट इतना मतलब जीना इनविंसिबल भाई मेरे को, यस इनविंसिबल भाई ये मेरे को नहीं चाहिए भाई बूस्ट। आई एम हैप्पी विद माई 304 सब्स, मतलब 304 में भी भाई मेरे को पता है मैंने कैसे करे वो तो मेरे को पता है, बट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम गेटिंग भाई। कैरी वाली बात मेरे को सबसे टॉप नॉच लगती है भाई, एक दिन की चांदनी बाद में अंधेरा वाली बात नहीं चाहिए, रोज़ दिन चांदनी हो तो मज़ा आए, एक एक दिन का सीन बेकार है, समझ रहे हो, बस वही सीन है। ओके सो लेट्स गो, बात कर लेते हैं भाई फटाफट से गेम की। भैया 17 लाइक्स हो चुके हैं, 1 लाइक कम भी हो चुका है, 1 हज़ार कम हो चुका है, बहुत अच्छा। मतलब भाई मैंने बोला कि भैया ऐसे हो जाता है तो मतलब इसका मतलब थोड़ा ना कि आप अनसब्सक्राइब लाइक वाइक ठोकना बंद कर दो, या बात करी जाए मैच में क्या कर देते हैं। एल पोजो से जा रहा है प्लेन पाथ, किधर एल हज़र की साइड। तो भैया प्लेन पाथ तो तगड़ा है, हार्ड वर्क इज़ द कंसिस्टेंट, लक इज एंड द वे ऑफ जर्नी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। व्हाट इज़ योर नेम, बोगी द गेमर, यस दैट्स व्हाट आई वांट टू से, हार्ड वर्क इज़ द की, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बट आजकल लोग है क्लासिक, मतलब क्लासिक मॉन्टाजेस देखने में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मैंने देखा है। आई विल मेक वन ऑफ देम, आ रहा है एक और क्लासिक का मॉन्टाज डालूंगा। लेट्स सी अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा रिस्पॉन्स, अगर डिसेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो डाली है उसमें रिस्पॉन्स डिसेंट आया है, जीने इनविंसिबल आज की वीडियो में रिस्पॉन्स डिसेंट आया है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बंदों ने मतलब अप्रोच किया है कि हाँ भाई सही वीडियो थी आज की। तो लेट्स सी अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो मैं आई विल मेक श्योर कि कॉम्पिटिटिव को भी लिया जाए। इसी के साथ चलते हैं भैया मैच के थोड़ा तार मदार की बात कर लिया जाए, तो भैया टी नंबर 25 के बंदे नॉक दे दिया गया एम के टॉक्सिक को, डैडे भैया डैडे विद इज वॉट डैडे विद इज क्राउच डैडे विद इज क्राउच भैया क्राउच करके बैठे जरूर है, टॉक्सिक को किया जाएगा फिनिश ऑफ। डैडे भैया छुप के बैठे हैं, अपना कोई पुश्टैग देना चाहते नहीं, फटाफट से मैडमैक्स लूटेंगे, उनके साथ उठ रहे हैं फैंटम एंड भैया डैडे अभी भी क्राउच करके बैठे हुए हैं। ओके बात करी जाए टी नंबर 19 के बंदों की, तो लास्ट मैच काफ़ी इजीली फिनिश ऑफ कर दिया था, कौन सी टीम थी, या फैटल ई स्पोर्ट्स, फैटल ई स्पोर्ट्स पर नज़र डाली जाएगी। वेयर इज़ फैटल, फैटल ई स्पोर्ट्स वेयर आर यू, पूछा वेयर आर यू, देयर वी गो, एल हज़र में हो रही है इनकी फाइट विद विच टीम, टी नंबर 9, लेट्स गो। बात करी जाए तो टी नंबर 16 में अनुष्का जी के हाथ में है UMP विद उजी, कॉम्बिनेशन डिसेंट है, कॉम्बिनेशन डिसेंट है, कॉम्बिनेशन डिसेंट है भैया। एक नॉक देखने को मिलेगा फैंटम की तरफ से,
कवर नॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैंटम भैया अपना फैंटम अवतार उतार चुके हैं, हाथ में एम4 ले लिया है, पीछे इनके हाथ में UMP है। ओ भाई ये क्या था? अबे क्या तुमने भी ये देखा? तो मैंने देखा भाई, क्या है तुमने भी देखा? ये इतना जूम कैसे हो गया? ओ भाई भाई ग्लिचेस, क्या ये ग्लिच था या फिर कुछ और ही था? बात करी जाए, नेडिंग ट्राई कर रहे हैं जरूर, नेट ट्राई किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड डैडी अभी भी क्राउच करके, भाई क्राउच नहीं है, AFK दी ही इज AFK राइट नाउ, एंड अभी तक किसी ने स्पॉट किया नहीं। आई थिंक सो TLC के इलायची वियर्ड नेम स्पॉट आउट कर लिए जाएंगे, स्पॉट करा जाए तो बात बन जाए। फैंटम भैया हाथ में नेट ले रखा है, अगर एक नेट जाए तो ओपनिंग की ट्राई करी जा रही है। ब्लास्टर ने आई थिंक तो स्मोक करा गया है, तैयारी है इधर पुश करने की, पुश करने की बिल टू फुल तैयारी है नंबर 25 की। इधर बात कर जाए तो TZ के नॉम भी है, ओके नॉम आई थिंक डैडी आ चुके हैं, डैडी भैया आ चुके हैं फटाफट से जाएंगे अंदर। यस देयर वी गो डैडी बैक इन द गेम, गन दिए जाएगी फटाफट से, डैडी आ चुके हैं वापस आ चुके हैं। जोन की बात करी जाए तो सेंट्रलाइज जोन जाता हुआ लेफ्ट हैंड साइड में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात होने वाली है नहीं, आराम से बैठे के भैया सारे के सारे बंदे, XT वाले बंदे भी आराम से, जीने की स्क्वाड आराम से भैया लूट रही है किधर, पिकार्डो के साइड पे आराम से लूटती हुई। फेडरली स्पोर्ट्स की बात करी जाएगी तो भैया 3 नंबर 9 चेन की फाइट होने चली थी, बट अभी तक फाइट हुई नहीं है। अंजाम तो सही है बट देखते हैं भाई क्या सीन होता है। IF के प्रिंस की बात करी जाए तो प्रिंस भैया कहाँ चले, प्रिंस भैया चले अपनी ये कैम उठा के सामने, दे दिया जाएगा TC के 2F2 के मॉन्स्टर को नॉकआउट, तो यदि के चलते गब्बर को बचाना ही पड़ेगा। हाथ में है थॉमसन, वेयर इज द DMO, कैन ही बी द सेवियर, ओके। ओ भाई भाई दोनों ने डैमेज दिया एक दूसरे को, बट भाई 1v1 होगा ज़रूर, 1v1 होगा ज़रूर, क्राउच करेंगे, 1v2 कर दिया है, 1v2 कर दिया, बहुत सबको फिनिश ऑफ करेंगे, गब्बर को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ओके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस टाइम पे, थोड़ा इंटरेस्टिंग, ओके देवी को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। इलायची की बात करी जाए तो इलायची भैया अभी भी TPP लेते हुए, TPP का एडवांटेज, 2 किल्स आ चुके हैं, वो भी आयरोनिक्स के हैं आई थिंक सो, यस आयरोनिक्स के हैं। बात करी जाए टीम 19 के, 2 ही बंदे बचे हैं, दैट इज टेक्नोप एंड विजर्ड, 2 बंदे बचे, लेट्स सी क्या अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड भैया हो चुकी है फाइट की आगाज एल हज़र में दे दिया जाएगा फैटल के 0 को नॉकआउट। जैक्स YT की बात करी जाए तो जैक्स YT के हाथ में अपनी M4 है, कवर अप देना चाहेंगे, बिल्कुल कवर अप देना चाहेंगे। नेडिंग आती हुई, नेड ट्राई करा जरूर है, क्या कोई फटेगा? नहीं कोई नहीं फटेगा। सोकोपे की बात करी जाए तो भैया वॉल पे ले रहे हैं TPP एडवांटेज, जैक्स YT अभी भी M4 से रेडी है, अगर कोई सा ये पुश करेगा तो भाई इजीली टेक डाउन करा जा सकता है। फैटल स्पोर्ट्स के सारे बंदे हो चुके हैं रिवाइव, 0 रिवाइवर हो जाएंगे, हेल्थ की टीम मान ली गई है तो भैया आराम से। अभी जैसे एक और नेड आएगा भाई मुंह पे ही फटा लौंडे के, बट कोई मरा नहीं है। बात करी जाए टीम नंबर 9 के बंदों की तो अभी भी 1-1 का स्प्लिट खेला है ज़रूर है भैया, पर समीर OP क्लोज इन कर दिए हैं जैक्स YT के साइड से। जैक्स YT एक बंदे को स्पॉट कर लिया गया है, हाइपर को आई थिंक सो स्पॉट करना बाकी है, स्पॉट आउट कर लिया जाएगा, बिल्कुल स्पॉट कर लिया जाएगा। इसी के चलते एक और नेड जाएगा, क्या ये गोल्डन नेड होने वाला है? आई बटन से डाला जाएगा ये वाला नेड, आई बटन से जाएगा, क्या बंदा फटेगा? ये वाली मेरी बात होने वाली, नेड गया, डैमेज दिया 26 का, बट भाई वो नहीं हो पाया। इसी के चलते एक नॉक निकलता हुआ, अनुचो को किया जाएगा नॉकआउट। इसी के चलते समीर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा, पूजा विद हेज M416 रुकने वाले हैं नहीं, नॉक किया जाएगा, ट्रेड नॉक आता हुआ फिनिश ऑफ भी करा जाएगा, बिल्कुल फिनिश ऑफ करा जाएगा। इसी के चलते ही हाइपर को किया जाएगा नॉकआउट। भाई टीम नंबर 9 देखते इनका स्प्लिट इन्हें जमा नहीं, इनका ही स्प्लिट इन्हें जमा है। सो कोपी की हेल्थ हो चुकी है 40-60 HP इस टाइम पे। बैंडेजेस इज द ओनली वे। नेड आएगा भाई, गोल्डन नेड, जैक्स की तरह चाहता हुआ गोल्डन नेड, द मैन विद द गोल्डन हैंड, ऐसा कह सकता हूँ मैं, द मैन विद द गोल्डन हैंड। एक नेट से नॉक, एक नेट से फिनिश भैया, पेटी पैक डब्बा खत्म, टाटा बाय बाय। गुड्डू पंडित अकेले बच्चे इस टाइम पे भैया, नाम गुड्डू पंडित है, क्या वैसा ही कर पाएंगे या फिर लंगड़े होके, समझ रहे हो क्या, फिर लंगड़े हो जाएंगे। ओके वो भी पिटे गए थे, क्या ये भी पिटे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फैटल स्पोर्ट भैया पिछले मैच का अपना परफॉर्मेंस अपने हाथों में बरकरार रखते हुए, ऑन द अदर हैंड भैया अभी OP ने कर दिया है, थक है जल को,
नॉकआउट एंड जोन बन चुका है, जोन के अंदर रोटेशन भी चालू कर दी गई है। बात करी जाए SLG के ब्लास्टर की, तो हाथ में थॉम्सन है, नीचे कौन से बंदे हैं भैया देखिया जाए, IM की स्क्वाड है, अकेले बंदे नहीं बचे, स्ट्राइकर रूप भी हैं एंड ब्लास्टर भी हैं। ओके IM की स्क्वाड की बात करें तो भैया स्पॉट आउट कर लिया गया है कि ऊपर बंदा है, एकदम कोई दिक्कत की बात है नहीं। बात करी जाए स्ट्राइकर रूप, ओके दोनों बंदे बैठे ऊपर हैं, पर स्ट्राइकर रूप के पास M24 है विद व्हाट, विद M4 गैस विद एप्पल, तो 2v3 सिचुएशन है इस टाइम पे, कोई दिक्कत की बात होने वाली है नहीं, आराम से 2v3 हो सकता है, जैसी अभी तक लोकेशन है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखने वाली बात ये रही कि IM की स्क्वाड को हमें कम नहीं समझना चाहिए, इस स्क्वाड ने भाई अलग डोमिनेशन दिखाई अपने टाइम पे। अभी एक मैन के लॉस में है ज़रूर, बट मैड एमएक्स के हाथ में M4 है, डैडी भी अभी से पहले एफ के थे ज़रूर, बट हाथ में M4 UMP आ चुके हैं। फैंटम भैया अपने हाथ में M4 लिया बैठे, सबके हाथ में आई थिंक M4 द फेवरेट गन ऑफ एवरीबडी, तो आ चुके हैं M4 सबके हाथ में, दिक्कत होने वाली है नहीं। बात करें टीम नंबर 6 की, तो 1-1-1 के स्प्लिट में खेल रहे हैं ज़रूर, एंड इधर एक बंदा आयरोनिक्स जो कि भाई अलग ही अंदाज में एक रोटेशन दे के जा चुका है, एंड जोन की बात करें दूसरा जोन चालू हो चुका है, NEC के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, किसको, टीम नंबर 25 को। ब्लास्टर उजी ले लिया हाथ में, एंड आयरोनिक्स आ चुके हैं वापस, अभी टीम के साथ रीयूनियन हो चुकी है, रीयूनियन जल्दी से फाइट कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जितना आप फाइट को होल्ड करोगे उतनी दिक्कत आपको बढ़ेगी, समझ रहे हो, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं और ज़्यादा पेशेंस भी नहीं, क्योंकि जितना पेशेंस दोगे उतना सामने वाले बंदे को आप चांस दे रहे हो कि भाई आप इतना सोच सकते हो, इतना सोच सकते हो। एन एसी के चलते हो चुकी है आई थिंक द फास्ट का आगाज हो चुका है, 50 गोली थॉम्सन की, 50 गोली मोर देन सफिशेंट है दो बंदों को नॉकआउट करने के लिए, इट्स लाइक हाफ ऑफ M249, समझ रहे हो, M249 का हाफ कर दो भैया तो ये वाली गन मिलती है। फेडल स्पोर्ट्स अभी भी L1000 में फाइट ले रही है, गुड्डू पंडित अभी भी बचे हुए हैं। बात करी जाए FJ के स्क्वाड की, तो भैया आ रहे हैं टीम नंबर 10 भी रोटेशन देते हुए आएंगे फटाफट से, NPRT की टीम भी रोटेशन देगी, 3-1 का स्पीड ले रखा है भाई अमित ओपी, एकदम कुछ ज़्यादा ही ऑफ एंगल, एकदम ऑफ एंगल का भी ऑफ एंगल ले रखा है, बहुत दूर जी इनके स्क्वाड सेंटर ऑफ द जोन पिकाडम होल्ड कर रहे हैं। बात करी जाए टीम नंबर 10 की, तो अभी भी होल्ड कर रहे हैं सारे के सारे बंदे, होल्ड कर रहे हैं, 20 टीम बची है, 69 बंदे बचे, एक स्क्रीन शॉट ले लिया जाए तो बात बन जाए। देर वी गो भैया, हो क्या है, स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा, बिल्कुल ले लिया जाएगा, इसी के चलते ही बात करी जाए तो भाई इधर हो गया है आगाज़ हो चुका है फाइट का, एंड इधर आगाज़ होने के बावजूद का यही मतलब है कि इधर फाइट चालू होने वाली है। ब्लास्टर हुए दिस, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम ब्रॉक नूब, ब्रॉक भैया हाउ आर यू भैया। ब्लास्टर इधर भैया बात करी जाए तो भैया ब्लास्टर भैया हाथ में थॉम्सन है, फाइट का आगाज़ हो चुका है, इसके चलते भैया फाइट का आगाज़ हुआ बट किसी और टीम के साथ, IM के डैडी विद दिस क्लच 1v2 फिनिश ऑफ करेंगे, बिल्कुल कराया जाएगा, इसी के चलते क्या SG के बंदे क्या ये वाला कर पाएंगे पिक ऑफ, क्योंकि डैडी की हेल्थ हो जाएगी, पिक ऑफ कर दिया जाएगा, फैंटम अकेले बचे हैं, कैन यू डू 1v2 हो सकता है फैंटम भैया, कैन यू डू दिस, हाथ में UMP है जरूर, रुकने वाले हैं नहीं, स्पॉट करा जाएगा, क्या नॉक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो 2v2 फाइट हो चुके हैं, इसके चलते ही SG के ब्लास्टर स्ट्राइकर के नूब, ओके स्पॉट करा जाएगा, बिल्कुल स्पॉट करा जाएगा ब्लास्टर, कैन यू डू दिस ब्रो, हाथ में है थॉम्सन, स्ट्राइकर नूब की बात करें अभी भी होल्ड भाई, बहुत होल्ड हो गया सारे बंदे आप भी को देख रहे हैं, इतना होल्ड मज़ा नहीं आ रहा अभी। ओके जोन की बात कर जाए, दूसरा जोन बन चला है, दूसरा जोन सेंट्रलाइज जोन का अटैक, कोई दिक्कत ज्यादा होने वाली है नहीं, सेंट्रलाइज जोन है अभी तक कोई हार्डशिप ज़्यादा हुआ नहीं है, 19 टीम्स अलाइव 64 बंदे बचे हैं। इधर बात करी जाए तो भाई अरे ओके स्मोक था, मेरे को लगा नेड़ है, इसी के चलते स्मोक पर स्मोक कर दिया जाएगा, ब्लास्टर भैया आ चुके हैं, ब्लास्टर भैया के हाथ में अभी भी स्ट्राइकर नूब M24 का ज़्यादा यूज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके विजार्ड ने कर दिया एक नॉक एंड फिनिश एस बोडे की स्क्वाड की बात कर जाए तो 1-2 का स्प्लिट खेल रहे हैं जैनम एंड प्रथम भैया अलग अलग हैं काफ़ी ज़्यादा, GN की स्क्वाड अभी पिकाड़ में होल्ड करती हुई चल रही है, इसी के चलते एडिंग ब्लास्टर फायर लेने की ट्राई करेंगे, एक एम मिल चुकी थी इन्हें, पीछे है थॉम्सन, कैन ही डू दिस बात करी जाए कोई भी बंदा फायर लेने को तैयार नहीं है। चाय पत्ती की बात करी जाए तो भैया नाम है चाय पत्ती, क्या एक बढ़िया सा उबाल ला सकते हैं ये, क्या इनके दम खम है बाजुओं में, बाजुओं में तो नहीं इनके गन में दम है, K
क्या इनके गन में दम है ब्लास्टर भैया, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस भैया, हम इतना बोल रहे हैं आप पर तब भी कुछ कर नहीं रहे। TLS की बात करें, TLS वरुण रोटेट कर जरूर है बट सामने XT की स्क्वाड है भैया, XT की स्क्वाड से थोड़ा सा बच के चाय पत्ती को कर दिया गया है नॉकआउट, एंड इसी के चलते SG ब्लास्टर आ चुके हैं अग्रेसिव मोड पे। अग्रेसिव मोड का मतलब है आओ दिखाना ताओ, सीधा गन लेके धनाधन आ रहे हैं, आ रहे स्पॉट कर लिया गया इसी के चलते, कैन ही डू दैट, इसी के चलते हो जाएगा ब्लास्टर के जरिए वैसे ब्लास्ट, एक किल निकालेंगे अपने टीम को चलेंगे, दोनों के हाथों में एक किल आ चुका है, इसी के चलते टीम भी बच गई एंड फैटली स्पोर्ट्स की फाइट हो चुकी है। अनुष्का जिस टाइम पे जैक्स वाइटी नॉक पड़े हुए हैं, तो भैया पूजा एंड अनुष्का दो लड़कियों के कंधों पे पूरा टीम का भार आ चुका है, दो लड़कियों के ऊपर पूरा टीम का भार आ चुका है। तो भैया देखा जाएगा, इनकी बात करी जाए तो ट्राई कर रहे हैं जैक्स वाइटी को कर दिया जाएगा रिवाइव, बट जीरो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, जीरो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। पूजा ट्राई कर रही है स्पॉट करने के, बट किल कन्फर्मेशन हो चुकी है, पूजा किल ऑलरेडी आपका कन्फर्म हो चुका है। बट बात करी जाए तो दिक्कत इन्हें कौन से देगी, FJ की स्क्वाड, क्रिप्टॉन था IGL एंड व्हाट इज हिज नेम आइशेल ओके, स्पॉट किया जाएगा पूजा, व्हाट इज स्प्रे, कैन यू कनेक्ट, अनुष्का को किया जाएगा नॉकआउट। तो भैया क्रिप्टॉन पूजा को स्पॉट किया जाएगा, बिल्कुल स्पॉट करा जाएगा जरूर, पैडल के जैक्स वाइटी को स्पॉट आउट कर लिया जाएगा। था IGL रोटेशन देख के एकदम आ चुके हैं अग्रेसिव मोड पे, बट जैक्स की तरह जरा की तरह जाएगा एक अनोखा सा मतलब कहते ही ट्रेड नॉक, अनुष्का को बचाया जा सकता है कि नहीं। पूजा फुल टू फुल ट्राई कर रही है स्मोक जितना उनसे हो पा रहा है सब चीज़ कर रहे हैं, बट जल्दी जाना पड़ेगा, बचा नहीं पाएंगे, नो ब्लीड आउट होकर मर जाएंगे। इसी तरह दो बंदे खो दिए हैं अनुष्का एंड जीरो, दोनों के दोनों बंदे खो दिए गए हैं। फैटल पूजा एंड फैटल के जैक्स वाइटी दो ही बंदे बचे हैं इस टाइम पे। बात करें जाए क्रिप्टॉन को स्पॉट आउट कर लिया जाएगा, बिल्कुल स्पॉट आउट कर लिया जाएगा। XG की स्क्वाड की फाइट हो चुकी है एवेंज की स्क्वाड से, तो उधर जाना बिल्कुल बनता है, बिल्कुल ही बनता है भैया। XG वाले बंदे क्या कर रहे हैं इधर, XG वाले बंदे एवेंजर वेनम नॉकआउट हो चुके हैं, एंटीडोड की बात करें जाए भी बचे हैं डेविल हिंद, लेट्स सी हाथ में बैरल है जरूर, क्या अपने बंदे को बचा पाएंगे, बचा लिया जाएगा कि नहीं XG वाले बंदे। एडुक अपने रिवाइवर हो रहे हैं, मैक रिया दे रहे हैं, मैक कैन यू डू दिस मेरे भाई। एवेंज के चारों के चारों बंदे अभी रिवाइवल हो जाएंगे, बिल्कुल रिवाइवल हो जाएंगे, नेडिंग वेडिंग ट्राई करनी चाहिए भैया, फटाफट से नेड किया जाए तो बात बन जाए। यस आई थिंक मेरी बात सुन ली गई है, नेड करो भाई फटाफट से खींच, मैक यू कैन डू दिस, मैक ब्रो गिव मी समथिंग गुड, ओके नेड खींच दिया गया, नेड खींचा मतलब नॉक निकला, बट इधर भी नॉक निकला एंड क्या नेड गया मैक, ओके नेड तो गया बट एवेंच एंटी डोर का नेड गया है, ओके तो इसी के चलते भैया FTW को भी किया जाएगा पिक ऑफ। तो घर्ष की स्क्वाड धीरे धीरे करके क्लोज इन करती हुई एक किल अपने ले लिए नाम पे, बट एवेंज की स्क्वाड के भी 3 किल्स हैं अभी भी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, चारों के चारों बंदे भी जिंदा है एंड किल्स भी इनके 3 हैं। तो इसी के चलते बात करी जाए घर्ष की स्क्वाड की, तो 112 का स्प्लिट कह सकता हूँ मैं इसे, यस 112 का स्प्लिट कह सकता हूँ, बट प्रेडर OP लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया था, 1v3 करा था अगेंस्ट फैटल ई-स्पोर्ट्स, लास्ट में इस बंदे ने 1v3 करा है, तो कैपेबिलिटी का कोई दिक्कत खजाना है भैया इसके पास, तो ही हैज द कैपेबिलिटी, बट TLS के बॉय का वो किया जाएगा पिक ऑफ। नेड की जो मैं बात कर रहा था, क्या वो यहाँ पे प्रेडर ओपनिंग निकाल के दे सकते हैं, बात ये होगी। ओके घस के हाईजैक को किया जाएगा नॉकआउट एंड डार्क भैया कूद के आ चुके हैं, क्लोज इन हो चुका है, इसी के चलते नेड जाएगा, नेड इनकी मतलब रेटर ओपी की लोकेशन पता है, यूट्यूब को भी किया जाएगा काफ़ी ज़्यादा लो। इसी के चलते ही बात करी जाए तो भाई साहब इधर घस्ट वाले बंदे थोड़ी सी दिक्कतों में थे, बट अभी तक चारों के चारों बंदे हो चुके हैं रिवाइव। जोन की बात करी जाए तो नीचे का सिर्फ ले लिया है जोन, G9 की स्क्वाड की बात करी जाए तो G9 वर्सेस सोल, आई थिंक यस इट इज, क्या सोल है, कैमरो बॉय नेट डाल रहे जरूर है, क्या जाएगा, क्या कोई बंदा फटेगा, बूबी पे आता हुआ डैमेज, बूबी भैया कैन यू डू दिस, किंग भैया नॉक पड़े हुए थे जरूर, किंग को रिवाइवल मिल जाएगा, यस रिवाइवल मिल जाएगा, एक और ने डाला गया है बट कोई नॉक हो पाएगा कि नहीं। ओ भाई 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 बूबी भाई एकदम मौत को छूके टक्कर से वापस आया बंदा, मौत को
चूके टक के साथ बिता है टीएलएस वाला बंदा रोटेट करने की ट्राई कर रहा है टीएलएस डैनी व्हाट इज ऑफ एंगल कैन यू मेक इट कैन यू मेक इट अगर यहां से एक नेट जाएगा तो डेफिनेटली नॉक होने वाला है ओके 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 जीनन की बूबी की नेट से एक हो जाएगा नॉक एंड इसी के चलते आई थिंक चरस को स्पॉट किया जाएगा चरस को स्पॉट किया जरूर है बट टीएलएस की स्कॉट देखते ही आ चुकी है बैक हैंड पे तो 1v4 सिचुएशन है इस टाइम पे चरस को स्पॉट किया एंड ट्राई करी मारने की बट बांधने ले जाएंगे द लास्ट किल एंड जीनन की स्कॉट ले जाएगी दैट स्कॉट एंड LFKUV अभी भी बचे हुए हैं विद देव वाईटी ओके देव वाईटी की तरफ आता है कार 98 का फटका एंड नॉकआउट दे दिया गया बट हिटमैन ने भैया ट्राई कर रखा है कि एंगल ले रखा है स्पॉट किया जाएगा स्पॉट कराए ट्राई करी मारने की बट भैया गलत टाइमिंग वेरी वेरी बैड टाइमिंग यूवी की बात करी जाए यूवी रुकने ले है नहीं भैया आओ देखा ना तो हिटमैन को स्पॉट आउट कर लिया गया है हिटमॉन प्रो नाइट स्क्रीम का टाइम क्या होता है भाई नाइट स्क्रीम का टाइम आई थिंक सो 9-10 बहुत ही बेकार तरीके से जाता हुआ इनका पुश भैया नाइट का होता है 9-10 होता है यस 9-10 होता है बात करी जाए एक्सडी के तो एक किल खाते में ले लिए हैं बिल्कुल ले लिए हैं एक किल खाते में बट बात करी जाए जोन की तो जोन जा रहा है टीम नंबर TZ की स्क्वाड पे टीम नंबर 25 EXT की बात करें घस की स्क्वाड की बात करें तो घस की स्क्वाड फायर ले रही है विद होम आई थिंक विद एवेंज की स्क्वाड से हो रही है इनकी 4v4 फाइट बट इनका मेन बात पता है क्या है इनके पास बैकअप है इनके पास बंदे हैं बट जैक अपना नेट बाहर ड्रॉप किया ज़रूर जैक भैया अकेले पैनिक होते हुए पैनिक सिचुएशन हाई है जैक के ऊपर ओके हैवेंच इस टाइम पे हैक जैक को भी क्या आ जाएगा नॉकआउट द ओनली सर्वाइवर राइट नाउ इज मौत का देवता विद इज M4 क्या करेंगे रश या बैक ऑफ ओके आई थिंक सो बैक ऑफ लेने की ट्राई करेंगे बिल्कुल बैक ऑफ लिया जाएगा बात करी जाए इधर कुछ अटपटा मामला सा दिखाई दे रहा है AKT के जैनम की तरफ से आता हुआ एक आई थिंक सो क्लच देखने को मिला है क्या नहीं जीरो किल्स लौंडे के टीम 10 की बात करी जाए टीम 10 भैया गाड़ी में बैठना चाहेंगे बिल्कुल फटाफट से गाड़ी में बैठेंगे एंड आई थिंक सो रशिंग करने की ट्राई होगी कि नहीं होगी टीम नंबर 24 के S4D के बंदों को स्पॉट आउट किया जरूर है बट भैया पाँचवा जोन हो चला है चालू पाँचवा जोन का मतलब समझ रहे हो ना बिटवा समझ जाओ समझाने की जरूरत ना ही समझ रहे विजार्ड भैया टेक नूप के साथ सर्वाइव कर तो रहे हैं बट सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि भैया सर्वाइविंग इज द की बट सर्वाइविंग में आपको एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि भैया आप सर्वाइव तो कर रहे हो बट साथ ही साथ आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह का देखना पड़ता है जैसे कि XT वाले बंदे देख रहे हैं एज ऑफ द जोन गेट कीप कर रहे हैं सारी टीम का एन टेक डाउन भी कर रहे हैं टेक्नुक को स्पॉट कर लिया है ATX विद मेनी यस देयर वी गो एंड आई थिंक सो एक नॉक देखने को मिल सकता है नॉक देखो नहीं मिलेगा ऑन देयर एंड BRT की स्क्वाड की फाइट हो चुकी है G9 की स्क्वाड से एंड इधर FJ क्रिप्टॉन को किया जाएगा फिनिश ऑफ इसी के चलते आई थिंक टीम नंबर 24 विद देयर किल्स भाई इनके छूट नहीं रहे बरस रहे हैं किंग की बात करी जाए तो भाई किंग अलग अंदाज में खेल रहे हैं दो किल्स के आते हैं जरूर बट नॉक्स काफ़ी सारे निकालते हैं बट किल्स कन्फर्मेशन जीरो हुई है इनकी बात करी जाए किंग आपकी गन में नमक है क्या इनकी गन में फूल का नमक है समझ रहे हो इनकी गन में फूल का नमक कैसे बोर्डी की टीम भाई जोन के बाहर है अंकित जैनम बात करी जाए तो भाई स्पॉट आउट कर लिया गया है टीम नंबर 18 के बंदों को एंड आड़े हत्ते ले लिया गया है G9 की स्क्वाड ने टीम नंबर 18 की स्क्वाड को टीम नंबर 18 के बंदों की बात करी जाए तो जैनम जोन के बाहर है उनको आप काउंट कर नहीं सकते वेजीटो द ओनली पर्सन साइड रेड नॉट स्ट्राइकर OP की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो है तो भाई इधर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में है ज़रूर बट इधर रिवाइवल हो जाएगा अमित OP भी जोन के अंदर आ चुके हैं तो इधर 3v4 फाइट है बट जोन इन्हें प्रेफरेंस नहीं दे रहा है नेडिंग करे ज़रूर है एक ओपनिंग निकाल ली गई है नेड एकदम मतलब जरा गर्रा फूट रहे हैं ट्राई करा है नॉक करने के एंड वेजिटो को नॉक किया भी जा सकता है मान्या की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है इसी के चलते मान्या का नेड आएगा बूबी का नेड द मैन विद द गोल्डन हैंड भाई क्या हो रहा है बूबी भाई क्या नेड पे नेड डाला जा रहा है भाई लौंडा ओके ओपिकिंग आ चुके हैं जैसे मैंने कहा था इस भाई इनकी गन में नमक है समझ रहे हो
स्ट्राइकर ओपी था ओनली सर्वाइविंग राइट नाउ। इसी के चलते स्ट्राइकर के ऊपर काफी ज्यादा दारामदार आ चुका है, इसी के चलते स्ट्राइकर भी को कर दिया जाएगा शांत एकदम सन्नाटा। टीजेड की स्क्वाड का हो चुका है सन्नाटा। बात करी जाए कौन सी स्क्वाड की, बात कर लेते हैं। टॉप 7 स्क्वाड मिल चुके हैं आमने सामने। एवेंज की स्क्वाड विद मौत के देवता को किया जाएगा फिनिश ऑफ। एवेंज वाले बंदे लास्ट मैच का अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखते हुए। बात करी जाए रिकॉन ओपी अकेले बचे थे फिर से, बट अभी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। तो टॉप 5 टीम्स आ चुके हैं हमारे सामने। एवेंज वर्सेस टीजेड वर्सेस एक्सटी वर्सेस G9 वर्सेस टीक्यू। टीक्यू वाले बंदे विद हिज ऑर्म प्रोफेसर विद हिज ऑर्म कैन ही डू द प्रोफेसर थिंग। चार बंदे जिंदा है, 3 किल के साथ हैं जरूर। लेट्स सी भैया क्या होता है। रोज ओपी को स्पॉट करा जरूर है, ट्राई करेंगे मारने की, बट जोन के अंदर भी जाना है। जोन की प्रेफरेंस किसके पास है, जोन की प्रेफरेंस है G9 के पास है, NTZ के स्ट्राइकर के पास है। तो भाई इंटरेस्टिंग G9 के वो भी जोन कैप्चर कर लिया गया है अभी। रोटेशन का आर्ट नहीं है, रोटेशन का आर्ट नहीं की जैसी बात करी गई, स्पॉट किया ट्रैकों को, ट्राई करा नॉक करने की बट नॉक करने में नाकामयाबी। स्ट्राइक नॉक की बात करी जाए तो एवेंज वाले फुल स्क्वाड आ चुकी है। एक को नॉक मिला जाएगा, बिल्कुल मिला जाएगा एवेंज के एंटीडो को किया जाएगा नॉकआउट। बैंडेज मारे जाएंगे इसके चलते। डेविलिन ओके डेविलिन ले जाएंगे द लास्ट पर्सन। टीजेड स्ट्राइक नॉक को किया जाएगा पिक ऑफ एंड एवेंज वाले बंदे सर्वाइव। एवेंज कैन यू डू दिस, पिछले मैच का बदला क्या लिया जाएगा। #2 आए थे पिछले मैच में, इस मैच में क्या #1 ला सकते हैं। बात करिए टीम 11 का, ड्रैको नॉकआउट पड़ा है बट ओपी। भाई किंग, भाई किंग भैया मैं कह रहा हूँ ना, ये लॉन्डे की गन में कुछ है, कुछ खासियत है इस मैच में। इस गन, इस भाई की गन बोल नहीं रही है, बट अभी शांति XT वालों बंदों ने कुछ अलग सा करके दिखा दिया है। G9 की स्क्वाड को ला दिया है घुटनों में ला दिया है G9 की स्क्वाड को। दो बंदों को इसे कहते हैं भाई थर्ड पार्टी सैंडविच, जो बोल दो वो कम है इधर, बट अभी बेदारो मदार किसके कंधों पे आ चुका है G9 के। बूबी स्पॉट करेंगे क्या, नॉक कर पाएंगे बिल्कुल नॉक कर पाएंगे G9 बूबी। कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, गन है, टाइमिंग है, जोन है, एवरीथिंग यू गॉट बूबी। कैन यू डू दिस, क्या अपनी टीम के लिए आप कर सकते हो। 3 किल से आपके खाते में, जस्ट यू हैव टू डू दिस क्लच। क्रूजर को स्पॉट किया जाएगा, बूबी भैया एक और नॉक निकालेंगे एंड बूबी डोमिनेटिंग अपना किल कन्फर्मेशन लेंगे जरूर। एवेंज वाले भी जोन के अंदर है जरूर एंड निकलते। बूबी कैन यू डू दिस, कैन यू डू द क्लच। क्रूजर की बात करिए तो अकेले बंदे बचे हैं, एक और नेड आ जाए तो बात बन जाए, बट इधर नेड डाला जाएगा, बिल्कुल नेड नहीं है। स्मोक है बच के मेरे भाई लोग बच के। ओके बट जोन की बात करें तो जोन बूबी के पास भी नहीं है, जोन है सिर्फ एक टीम के पास, दैट इज आई थिंक एवेंज के पास जोन है। हल्का सा 15 मीटर दूर जाना पड़ेगा जोन के लिए, बट टीम नंबर 11 के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो में। एक नेड आएगा कैप्टन यूट्यूब का एंड होल स्क्वाड डेड। आर यू सीरियस राइट नाउ। एवेंज वाले बंदे लास्ट मैच का बदला ले लेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। एवेंज वाले विद हिज दैट चिकन डिनर लास्ट मैच में, क्या ही चिकन निकाला गया है भाई साहब। यूट्यूब की तरह से आता हुआ काफ़ी तगड़ा, बट अभी क्या कहानी में ट्विस्ट है, क्या कहानी में ट्विस्ट बन सकता है। बट जोन के बाहर है, 3 सेकंड में जोन चालू हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा। 35 मीटर जाना है दूर जोन, 35 मीटर दूर जाना है जोन। वैनम को स्पॉट किया जाएगा, अगर वैनम को नॉक कर पाए तो बात बन जाएगी इस टाइम पे। बात करी जाए तो भाई अभी कैप्टन यूट्यूब को स्पॉट किया जाएगा, कैप्टन को नॉक किया जाएगा। कैन दिस, कैन इट विल हैपन। बताकर एक और बंदा है, दैट इज डेविल हिंद। भाई अकेले बंदे बचे हैं मानिया। देयर वी गो एवेंज विद देयर विनर चिकन डिनर, लेट्स गो। कैप्टन ओपी की तरफ चाहता हुआ अभी आलिशान नीड एन इसी के चलते ले जाएगी विनर चिकन डिनर। पहले मैच में हैशटैग दो, दूसरे मैच में चिकन डिनर विद देयर कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा। नाइस गेम प्ले पर काफ़ी तारीफ करनी चाहूँगा मैं G9 की स्क्वाड की भी। G9 की स्क्वाड ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफेंड करा, अच्छा गेम प्ले दिखाया। एंड #3 XT की स्क्वाड, नाइस गेम प्ले। किल्स की बात की जाए तो भैया किल्स भरपूर है एवेंज की स्क्वाड के पास। 3, 4, 3, 5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11, 4, 15 किल्स के साथ निकाला गया है चिकन डिनर। एंड 5 किल्स है डेविलन के, 4 किल्स हैं यूट्यूब के, तो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग। 5 किल्स है बूबी के, भाई बूबी अलग ही लेवल पे है भाई। रैंपेज निकाली गई XT के स्क्वाड #3, 0, 3, 1, 0 तो देर भी को 4 किल्स के साथ। भाई हो गया। ओके इसी के साथ लेने वाले हैं हम अलविदा विद द सेम एनर्जी।
विद द सेम फीलिंग कैन वी डू दिस. एक खेला जाएगा जरूर, एक खेला जाएगा. क्या एक खेल लेते हैं भाई, अरीना खेल लेते हैं, एक अरीना खेल लेते हैं. मेरा नाम कैप्टन है यूट्यूब नहीं भाई, अपन तो भाई यूट्यूब बोलेंगे भाई, अपन तो यूट्यूब बोलेंगे. कैप्टन भी बोला था मैंने बीच में, जो मुंह पे आता है बोल देते हैं यार. ऐसा मैं देख देख के बोलूँगा तो भाई ऐसा कैसा चलेगा ना ब्रो. कास्टिंग के बीच में अगर मैं थोड़ा सा भी देखना लगा तो फिर तो समझ रहे हो ना. अपना नेम चेंज करो भाई, अपना नेम चेंज कर लो. एवेंज की टीम से खेलते हो ना, एवेंज रख लो, एवेंज एवेंज कैप्टन. ओके भाई भाई आज थोड़ा हैप्टिक डे रहा है, फुल टू फुल संडे था तो भाई पूरा. मैं कैप्टन नाम से पॉपुलर हूँ. अरे भाई अरे भाई आओ भाई, वन ई वन करो यार फिर मेरे साथ. आप मशहूर हो, मैं आपको थोड़ा वन ई वन कर. अरे खेले क्या वन ई वन कैप्टन, फटाफट आओ यूट्यूब चैनल में. 4K बोला इसलिए तो आ जाओ भाई, खेलते हैं ना. तो वन ई वन खेलते हैं कैप्टन यूट्यूब, बताओ आ जाओ. लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो. आ जाओ, मेरे को रिक्वेस्ट भेज दो यार. ये रही मेरी आईडी, ये रही 6130253636309. देर भी गो आया रहा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजा आने वाला है भाई. 1v1 होने वाला है, कैप्टन वर्सेस रॉकी. रुक ओके, 21% बैटरी यार, बट 21% है, लैग हो रहा है, कोई बात नहीं. चिल है ब्रो भाई, चिल है, दर्द है, सब चिल है. रिक्वेस्ट भेज दी जाए तो बात बन जाए. रिक्वेस्ट वाइट वाइट फेस देखे भाई. डिवाइस इसके बाद iOS है क्या, iOS है क्या? और जिन जिनको लगता है कि भाई मेरे फ़ोन पर 90 FPS सपोर्ट है भाई, नहीं ये देखो स्मूथ एक्सट्रीम, दैट्स इट, नॉट ए नॉट 90 FPS, नथिंग मच लाइक दैट. कुछ 90 FPS नहीं है, ठीक है भाई लोग, कुछ 90 FPS नहीं है. XR है, अच्छा XR है, ठीक है. iOS ही है ना, मतलब XR है तो क्या भाई. आई विल ट्राई माई बेस्ट, देखते कौन जीतता है. फ्रेंडली फाइट है भाई, क्या हुआ, रिक्वेस्ट भेज दो. भाई स्लाइड ऑफ है, बट स्लाइड ऑफ, स्लाइड नॉट लाइक स्लाइड पे स्लाइड, मजा नहीं आता स्लाइड पे स्लाइड में यार, इतना टाइम. ओके आ गया, चलो भाई बनाओ बनाओ रूम, बनाओ रूम 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 बनाओ 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 बनाओ. इनवाइट रूम बनाओ. बनाओ बनाओ रूम बनाओ, इनवाइट करो. क्या हुआ, बुलाओ बाहर जाके. अरे यार अरे बना दे यार, इतना टाइम काहे को वेट. हेलो हेलो, बनाओ 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 रूम बनाओ. चलो बनाओ स्लाइड ऑफ. एक चीज बोल रहा, स्लाइड ऑफ है, मैं स्लाइड ऑफ. हां और वॉर नहीं करना, क्या बोलते हैं वॉर, अपना वो रिसोर्स पैक डाउनलोड करना. क्या चीज, मैं फुल स्टैक नहीं देखता. रिसोर्स पैक डाउनलोड करना. रिसोर्स पैक डाउनलोड करूं? अच्छा ठीक है, फुल स्टैक नहीं देखता ना. तुम्हारा फुल सेट है क्या इधर? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. अरे यार रिसोर्ट विसोर्ट भाई, ये तो ओके भाई, पता नहीं कुछ अलग सा कुछ बोलना चाह रहे हैं. ओके भाई, क्रिएट ओपनिंग की वीडियो आने वाली है. जिसने वीडियो नहीं देखी, आज वीडियो ड्रॉप डाउन करी थी मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, सॉरी फॉर दैट. मेक श्योर कि भैया आप वैनम ओपी. देयर वी गो, 1v1 लेट्स गो. भाई मैं कोई अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन आईजीएल, नथिंग मच. ओके लेट्स गो.
Team match. Let's go. First point for the red team. Choke kar gaya. I'm choking. Okay. भाई 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 जिगल जिगल भाई 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 Target down. Ouch. Cover me. Reloading. अरे अरे भाई अभी तो यार यार ऐसा ऐसा मत करो अभी. Cover me. Enemy down. भाई वैस ले लूँ क्या? चलो आए आज रॉकी दादा दिन रात स्ट्रीम. अरे भाई इनविंसिबल भैया की बात. अरे भाई गन्ने चल रही. हाँ अभी चालू. Expired. ओ भागो भागो. अरे यार भाई वेस्ट ही नहीं है. वेस्ट ही नहीं है. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. अरे अबे ये कैसे मारा भाई कवर के अंदर. अरे यार ये भाई कवर कवर में खेलते हैं. कोई नहीं मारो जल्दी. मारो ना. अरे भाई देख 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 भाई यार ऐसे कैसे मजा आता है. देख देख यार को बाहर ही नहीं आ रहे. मेरे को बाहर आना पड़ता रहता है. अरे ब्रो आप बैठो ब्रो कवर पे अपन है ना. अरे भाई चोक कर गया. ये रात वाला कस्टम तुम स्ट्रीम नहीं करते थे. अरे यार गुड वो इनसे भाई की कॉल आई तो मैंने कहा ओके. हाँ देख देख दे भाई भाई. Reloading. अरे ब्रो व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो. व्हाट इज इट हाउ इज इट. रीलोड नहीं हो रही भाई. भाई लग गए. भाई चली नहीं रही गन. ओ भाई गन नहीं चली. ओ भाई भाई ये क्या हो रहा है. भाई रीलोड नहीं हो रहा. देखो देखो भाई. भाई यार रीलोड विलोड ही कुछ नहीं हो रहा यार. क्या बे चल ही नहीं रहा गनमन. Enemy has a V.
भाई यार क्या ग्लिच है भाई, एंड्रॉइड ग्लिच है। देखो अभी अब तो रीलोड हो जाएगा। अरे यार यार भाई ऐसे मरने में मजा नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी। Cover me! भाई ये क्या हो रहा है भाई, मैं खेल यार रीलोडिंग, मूवमेंट चोक हो रही है। भाई कवर से बाहर आ जा यार। ग्लिच गेम कोई बात नहीं रॉकी दादा, भाई मजा आ रहा है स्लॉट के साथ खेलने में बिल्कुल एकदम स्वाद आ रहा है। यार मैं नहीं खेल रहा भाई गनी नहीं चल रही, गनी नहीं चल रही, मैं टैप भी कर रहा हूँ तभी भी नहीं चल रही। देखो देखो डीसिंग देख रहे हो, देख यार भारी नहीं आएगा पता है। अभी अपन भाई मैं भी खेलूंगा टीवी पे लेके, बोलो मैं भी खेलूंगा। देखो वो बाहर ही नहीं आ रहा वहां से। मैं वेस्ट लूंगा भाई, टोचन है भाई ये तो। रॉकी जॉर्ड और व्हाट, हाँ ये कॉम्पिटेटिव प्लेयर का मानने में अलग ही मजा आता है भाई। ये हेड बोलते ब्रो, हेड ओनली ओनली हेड। बाय बाय देख भाई बंदा कैसे बैठते एकदम, मतलब हार्ड पी भाई ये अच्छा मारा भाई, बहुत से मारा है लौंडा भाई, बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई ये बंदा, मुझे पता था इधर ही आएगा। प्रो हाइप नोवा को जानते हो। अरे भाई ये कैसे कवर के पीछे कैसे मार रहा है भाई, भाई इतना डीसिंग भाई, ये तो डीसिंग विसिंग मार रहा है भाई ये बंदा, अब ये डीसिंग मार रहा है। भाई यार वही है ना आखिरी में हगने वाली बात है भाई, डीसिंग विसिंग मार रहा है, लेवल 3 की वेस्ट वेस्ट ले लिया भाई। अरे हैकर की बात नहीं है, देख यार अपने आप को मारना वारना क्या है भाई। अरे भाई मैं भी कवर में खेल रहा हूँ, ले भाई मैं क्यों करूँ, मैं नहीं जा रहा भाई आगे, वो भी नहीं आ रहा मैं भी नहीं जा रहा, ले भाई वो बंदा तो देख बेस से बाहर नहीं आएगा, देखो लिख के दे रहा हूँ, देखो
देखो ये देखो अभी देखिए देखो भाई भाई सीरियसली यार, 1v1 के तरह खेलो यार। आगे दिया भाई लास्ट में 3 पॉइंट ऐसे ही दे दिए मैंने, बहुत सही खेला भाई लौंडा। नाइस ओके सो भैया हो चला है चालू, इसी के चलते भाई बैटरी देख लो 11% हो चुकी है, अपन डेड हो चुके हैं, इसी के चलते मिलते हैं, बाय बाय, पीस आउट, कीप ग्राइंडिंग एंड जी।